येस मालिक वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू दिस इज विजय साडा योर फैकल्टी टुडे फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस वैसे तो बहुत ज़्यादा वास्ट है और आपको पता है हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करी है आज मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का रिविजन करवाने जा रहा हूँ जिसमें से एक टॉपिक जिसके अंदर में सभी बच्चे को डर लगता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस रिविज़न के बाद आपको वो डर नहीं रहेगा और वो टॉपिक होगा एन टैक्सेशन का मैंने इसका नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिए हैं आप में से जो भी जाना चाहे टेलीग्राम के ऊपर जा कर के इसके नोट्स ले सकता है मैंने वहाँ पे इसको अपडेट करके रखा हुआ है सो so दैट ताकि इस सेशन के अंदर में जब आप पढ़ते रहेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा ये मेरी ही बुक से है जो, जो डायरेक्ट टैक्स की बुक है मेरी सुपरफास्ट टैग थर्टी फाइव बुक उसी के अंदर का टॉपिक है सो so, इस पर्टिकुलर सेशन के लिए मैंने ये टॉपिक को पी करके ओपन करा हुआ है सो so, आप जा करके वहाँ पर ले सकते हैं यस अच्छा सर मुझे एक बात बताइए एनआर टैक्सेशन किस बारे में है ये किस बारे में है क्या ये टॉपिक रेसिडेंट के टैक्सेशन के बारे में है ये अगर आप मॉड्यूल ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर दो पार्ट मिलते हैं एक होता है रेसिडेंशियल स्टेटस जो हम इंटर में पढ़ा करते थे लेकिन उसका एडवांस वर्जन और दूसरा होता है प्योर एनआर टैक्सेशन दॉन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट आई ऑल्सो मीन एन इंक्लूड फॉरन कंपनी सो नॉन रेसिडेंट और फॉरन कंपनी इनकम फ्रॉम इंडिया और एनी इनकम डीम टू अक्रू और अराइज फ्रॉम इंडिया दैट इनकम इज लाइबल टू टैक्स इन इंडिया एवरीबॉडी इफ द इनकम इज उिडी एडियोड इन इंडिया डीम टू बी रिसीव इन इंडिया अक्रूड इन इंडिया और डीम टू भी अक्रूड इन इंडिया दैट इनकम लाइबल टू टैक्स इन इंडिया क्या कहता है यह चैप्टर एनी वन इज दिस टॉपिक इज अबाउट प्रोविजन ज दिस टॉपिक अबाउट द टैक्स रेट विच इज एप्लीकेबल एंड द टीडीएस प्रोविजन विच आर एप्लीकेबल वट इज दिस टॉपिक अबाउट क्या ये प्रोविजन बता रहा है कब टैक्सेबल होगा क्या ये बता रहा है कि टैक्स रेट क्या होंगे या ये टी डीएस की लाइबिलिटी बता रहा है किस बारे में बात कर रहा है सर दे टॉक अबाउट द टैक्स रेट इनकम विच आर चार्जेबल एट अ स्पेशल रेट एंड द टी डी एस लाइबिलिटी एंड द टीडीएस लाइबिलिटी विच अराइजेस तो यह तीन बातों के बारे में बात कर रहा है चैप्टर बड़ा सिंपल है आप बहुत आसानी से इसे समझ पाएंगे चैप्टर बड़ा सिंपल है चैप्टर बहुत सिंपल सी बात करता है कि भैया एनआर को अगर पर्टिकुलर इनकम आ रही है इसके साथ साथ तीन चीजें हमें समझनी है समझ कौन सी इनकम स्पेशल रेट के ऊपर टैक्सेबल है दूसरा वट आर द टी डी एस रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट दैट एंड इज देर एमेंडमेंट रिलेटेड टू दैट सो so, सबसे पहले एनआर टैक्सेशन क्या आते हैं मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे मैं क्या चूज करूं मैंने सोचा कि एनआर टैक्सेशन एक ऐसी चीज है जो बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है वाई नॉट दिस टॉपिक हैज टू बी अडॉप्टेड टूडे तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले सेक्शन टू सब सेक्शन थर्टी देखते हैं हु इज नॉन रेसिडेंट आगे नॉन रेसिडेंट कौन है हु इज नॉन रेसिडेंट सो नॉन रेसिडेंट अ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट एंड दिस विल बी द केस नन ऑफ द टू बेसिक्स कंडीशन ऑफ सेक्शन सिक्स इज सैटिस्फाइड सो अगर सेक्शन सिक्सफाई नहीं होते तो आप कौन बन जाते हो नॉन रेसिडेंट बन जाते हो इंडिविजुअल्स के लिए इफ इट नॉट सेफाई सेक्शन सिक्स के लिए इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज हुईटेड आउटसाइड इंडिया याद आ रहा हो तो रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंपनीज के लिए फॉरन कंपनी नॉन रेसिडेंट के मेजरली इनकम इंडिया से किस किस तरीके से आती होगी आप सोच के देखिएगा वाई नॉन रेसिडेंट विल बी इंटरेस्टेड इन इंडिया फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम इज बिजनेस इनकम सेकंड टाइप ऑफ इनकम इज इनकम आउट ऑफ प्रॉपर्टी सर इनकम आउट ऑफ प्रॉपर्टी यस देर आर मेनी रेसिडेंट्स हु हैव गॉन आउटसाइड इंडिया ऐसे कई रेसिडेंट है जो आउटसाइड इंडिया चले गए हैं आपके ही कुछ घर वाले देख लीजिए जो आउटसाइड इंडिया चले गए हैं अब वो आउटसाइड इंडिया जाके बस चुके हैं ना कोई प्लान है रिटर्न होने का तो यहां की कोई प्रॉपर्टी होती है वो उसको क्या कर देते हैं सेल कर देते नाउ सिंस दे आर नॉट रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया बेटा नॉन रेसिडेंट वो अब यहां की प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो सेक्शन नाइन सेक्शन नाइन इफ अ कैपिटल असेट इज ट्रांसफर्ड इन इंडिया इनकम विल डीम टू राइज इन इंडिया इनकम विल डीम टू अक्रूअर राइज इन इंडिया तो उनको कैपिटल गेन इनकम आ सकता है सो फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम इज बिजनेस एंड प्रोफेशन सेकेंड टाइप ऑफ इनकम इज कैपिटल गेन थर्ड टाइप ऑफ इनकम इनकम आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेजरली अगर आप देखें 2021 के अंदर में 2021 के अंदर में हमारे पास फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सबसे ज्यादा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं अब इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के अंदर में क्या क्या हो सकता है पहला हो सकता है शेयर के अंदर में डिवेंचर्स के अंदर में सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स किया हो तो उनको डिविडेंट इनकम रिसीव हो सकती है सो फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम इज इनकम डिविडेंच इज ऑन इन्वेस्टमेंट सेकंड टाइप ऑफ इनकम दे अर्न इज इंटरेस्ट इनकम थोड़ा सा लॉजिकल

थर्ड थिंग इज सेल ऑफ दिक्योरिटी डिबेंचर वॉरेंट शेयर सिक्योरिटी अगर आप सेल करते हैं तो इसके ऊपर कैपिटल गेन अराइज होगा सो अगेन आ गए हम वहीं पाए बिजनेस इनकम हो सकता है कैपिटल गेन हो सकता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सिस इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट इन द नेचर ऑफ डिविडेंट ये अराइज हो सकता है और क्या इनकम हो सकती है आप मुझे सोच करके बताइए वन सैलरी इनकम अ नॉन रेसिडेंट अर्निंग इन इंडिया इंडिया मतलब सैलरी इनकम भी हो सकती है बिल्कुल हो सकती है कैन देर बी रेंटल इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया कैन देर बी रेंटल इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया येस देर कैन भी रेंटल इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया बिल्कुल हो सकता है तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा रेंटल इनकम कंप्यूट करके देखा जाएगा सो so, टेक्निकली आप एक बात समझ के देख लिए मेजरली हर हेड की इनकम आ सकती है पर बहुत फ्रीक्वेंट जो आती है नॉन रेसिडेंट के केस में वो आती है इधर रेंटल इनकम डिविडेंट और इन्वेस्टमेंट इनकम यस और थर्ड कैपिटल गेन्स दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट इनकम राइट सैलरी बहुत कम केसेस में आपको देखने को मिलेगा बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम देखने को मिलेगा देर आर मल्टी कंपनी ट्रांसनेशनल कंपनी विच आर इन इंडिया लाइक वॉट एमेजॉन लाइक फ्लिपकार्ट सो ऑन एंड सॉरी एमेजॉन इसके बाद में आपके अली बाबा डॉट कॉम के थ्रू अगर आप आ सकते हैं तो इसके अलावा गूगल इंडिया के अंदर में अवेलेबल है रीबॉक इंडिया के अंदर में अवेलेबल है नाइक इंडिया के अंदर में अवेलेबल है यस yes, उसके बाद में डोमिनोज अवेलेबल है सो देर आर मेरी फॉरन कंपनीज विच आर इन इंडिया एंड अर्निंग इनकम आउट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन सो चेक कीजिएगा इन्वेस्टमेंट इनकम क्या हो सकता है हंड्रेड एंड फिफ्टीन सी स्पेसीफाई यू ऑल द डेफिनेशन मेजर

सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए एटसेट्रा हंड्रेड एंड नाइनटी फोर एल बी एल सी एल डी इज नॉट कवर्ड ईयर एंड शेल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए कुछ इंटरेस्ट इनकम है जो हंड्रेड एंड वन नाइनटी फोर एल बी के अंदर में लिखी है एल सी के अंदर लिखी है एल डी के अंदर में लिखी है दीज इनकम दीज इनकम आर चार्जेबल एट अ स्पेशल रेट ऑफ फाइव परसेंट एंड दे आर नॉट गवर्न बाय द टैक्स रेट विच इज एप्लीकेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम विच इज एप्लीकेबल इन्वेस्टमेंट इनकम इज रिटर्न इन एंड ए टैक्स रेट एप्लीकेबल इनकम इज रिटर्न इन हंड्रेड एंड ए सो हंड्रेड फिफ्टीन ए हंड्रेड 115A, फिफ्टीन ए 115A. So 115A. 115A बहुत बड़ा सेक्शन है हंड्रेड ए के अंदर में क्या लिखा हुआ है बॉस हंड्रेड के अंदर में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स रेट वट आर द टैक्स रेट विच इज एप्लीकेबल ऑन दिस इन्वेस्टमेंट इनकम यह कहां लिखा हुआ है हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाले पहले यह चीज डाल करके देख लो चेक करिएगा साहब हालांकि ये जो टैक्स रेट्स है ये जो टैक्स रेट्स है सर 194 LB, LC, LD? आगे आएगा डोंट वरी आएगा इसके अंदर में भी अब इन्होंने क्या कहा इन्वेस्टमेंट इनकम मींस एनी इनकम विच इज डिराइव फ्रॉम अ फॉरेन एक्सचेंज असेट मतलब ऐसी इनकम जो फॉरेन एक्सचेंज असेट है सर तो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज असेट ऊपर लिखा है हंड्रेड एंड सी बी आपसे कहता है व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज असेट फॉरेन एक्सचेंज अट मींस एनी स्पेसिफाइड असेट विच एस एस हैज ऑक्यूपाइड और परचेज और सब्सक्राइब टू इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज अगर एस ने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर में किसी भी चीज को एक्वायर किया है परचेज किया है सब्सक्राइब किया है मेनली इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड असेट ऑफ स्पेसिफाइड असेट दीज आर कॉल्ड एज फॉरन एक्सचेंज असेट अब एक इंपॉर्टेंट सवाल फिर से आके खड़ा हो गया वॉट इज कवर्ड इन स्पेसिफाइड असेट वॉट इज कवर्ड इन स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड मतलब क्या स्पेसिफाइड जो फॉर करेंसी में परचेज किया है उसे हम कहते हैं फॉरन एक्सचेंज असेट और इससे आने वाली जो इनकम है यह हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए में दिए हुए टैक्स रेट से टैक्स होगी क्या, क्या 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 लिंक लगाया अगर कोई स्पेसिफाइड असेट है और यह फॉरन करेंसी में परचेज किया है तो इसे हम क्या कहेंगे फॉरन एक्सचेंज असेट इससे आने वाली इनकम को हम क्या कहेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम एंड दिस इन्वेस्टमेंट इनकम इज टैक्सेबल टैक्सिबल फिफ्टीन ए दिस इन्वेस्टमेंट इनकम इज टैक्सेबल अंडर ए सो अब हम कहा जाएंगे मालिक अब हम कहां जाएंगे अब हम जाएंगे स्पेसिफाइड एसेट्स को देखने के लिए एक एक चीज को तोड़ेंगे सर आराम से जाएंगे एक एक चीज को तोड़ेंगे पर मजे से करेंगे नीचे आइए आपको स्पेसिफाइड एसेट्स का मीनिंग दिख जाएगा 115 सी के अंदर में 115 सी स्पेसिफाइड असेट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स नेमली शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर्स अगर फॉरन करेंसी में परचेस किए गए हैं तो इंडिया में यह क्या माने जाएंगे स्पेसिफाइड असेट्स माने जाएंगे और इसके ऊपर जो इनकम आएगी ये इनकम कौन सी हो गई इन्वेस्टमेंट इनकम मानी जाएगी कहां टैक्स होगा हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए के हिसाब से डिबेंचर इशूड बाई इंडियन कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी डिफाइंड इन ज एक्ट 1956 इन शॉर्ट पब्लिक कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किया है वो स्पेसिफाइड एसेट माना जाएगा डिपॉजिट्स विद एन इंडियन कंपनी 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 इज नॉट अ प्राइवेट एक पब्लिक ने अगर कोई इशू किए हुए हैं तो वो स्पेसिफाइड एसेट माने जाएंगे एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज डिफाइंड इन द पब्लिक डेप एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई सिक्योरिटी इशूड है तो हम उसे स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मानेंगे एनी सच एसेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिफ या इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी स्पेसिफाई करती है सिक्योरिटी को तो हम उसको स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मान गे सो so, वापस सब से सबसे पहले ढूंढना है इज इट स्पेसिफाइड असेट यस स्पेसिफाइड असेट के अंदर में क्या आता है स्पेसिफाइड असेट के अंदर में आपने अगर फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है तो इससे जो इनकम आएगी इसके टैक्स रेट हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए के अंदर में लिखे हैं हालांकि इंटरेस्ट इनकम जो आ रहा है इंटरेस्ट इनकम जो आ रहा है जो या में आ रहा है, उस पर हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए नहीं लगेगा उस पर स्पेशल रेट लगेंगे जो उन एक्ट्स के अंदर में जो उन सेक्शंस के अंदर में दिए हुए होंगे ये तीन डेफिनेशन जब भी आप चैप्टर चालू करो ये आपको पढ़ना है यस yes? अच्छा जी चलिए आते हैं जब हम एनआर टैक्सेशन पढ़ते हैं ध्यान से सुनिएगा जब हम एनआर टैक्सेशन पढ़ते हैं तो हमें दो चीजें पढ़नी होती है एंड इनकम विच आर एक्सम टू एनआर एंड द इनकम विच आर चार्जेबल एट ए स्पेशल रेट तो ये चैप्टर में दोनों पार्ट में दिए हुए हैं एक्समट इनकम टू एन भी दिया हुआ है एज वेल एज द टैक्सेशन पोर्शन ऑफ एन भी दिया हुआ है सबसे पहले आइए है पोर्शन ऑफ इनकम टू अ नॉन रेसिडेंट कौन कौन से इनकम नॉन रेसिडेंट के हाथ में एक्समट है इफ सर्टन कंडीशन आर सेटिस्फाइड अगर आप अपना मॉड्यूल ओपन करके देखेंगे तो मॉड्यूल के अंदर में ये करीब चार पेज पे जाता है व्हाट आर द एग्जम्प्ट इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इसको यहां पे एक टेबुलर फॉर्म के अंदर में डाल दिया सो so दैट आप इजीली क्या कर सको इसे अंडरस्टैंड कर सको ठीक है एग्जम्प्ट इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट कौन कौन से नॉन रेसिडेंट की इनकम क्या है बेटा एग्जम्प्ट है इंटरेस्ट इनकम स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ अकाउंट इन इंडिया नॉन रेसिडेंट अकाउंट ओपन करते हैं सेक्शन टेन फोर कहा कि नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया में एनआर अकाउंट रखता है किसी बैंक के साथ तो बॉस इस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है ये इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है ये इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है इसे एग्जाम किया गया है सो so, इसे स्टार मार्क करके रखें इसमें से कुछ ही चीज है जिसको हम मार्क करेंगे इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एनआरई अकाउंट द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया और द पर्सन हैज बीन परमिटेड टू मेंटेन द सेड अकाउंट बाय आरबीआई इनकम जो हो वो होगी वो एग्जम्प्ट होगी अच्छा जी हर कंट्री के एम्बे और फॉरेन डिप्लोमेट्स दूसरे कंट्री के अंदर में होते हैं जैसे इंडिया के फॉरेन डिप्लोमेट्स इराक में है यूएसए के अंदर में है थाईलैंड में है रशिया के अंदर में है वैसे ही वहां के फॉरेन डिप्लोमेट्स भी यहां पे होते हैं राइट right? अब ये दोनों कंट्री के बीच में क्या होता है एक सिंपल सा अग्रीमेंट होता है सी सैलरी वहां टैक्सेबल है वेन सर्विसेज आर रेंडर्ड अब कोई फॉरन नेशनल आकर के अगर इंडिया में सर्विसेज रेंडर कर रहा है तो इसको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है इसको जो अमाउंट मिल रही है दैट शुड भी टैक्सेबल इन इंडिया पर हर गवर्नमेंट क्या कर देती है एक क्लॉज रखती है कि मान लीजिए अगर आपने हमारे करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉयज को वहां एक्जम्शन दिया है तो आपके करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय को हम यहां पे एग्जामेशन देंगे तो so, छोटा सा एग्जाम्पल क्या है मान लीजिए अगर इंडिया के एम्प्लॉइज जो कहां पे है बेटा फॉरेन डिप्लोमेट्स इराक के अंदर बैठे हैं अरे इराक गवर्नमेंट उनसे टैक्स नहीं ले रही तो इराक के जो फॉरन डिप्लोमेट्स इंडिया के अंदर में बैठे हैं हम उनसे भी टैक्स नहीं लेंगे बात बड़ी सिंपल है रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ फॉरन डिप्लोमेट्स कॉन्सुलेट्स एंड स्टाफ वट इज द कंडीशन कंडीशन बड़ी सिंपल है रेम्यूरेशन इज रिसीव बाय अवर कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल इन सच फॉरन कंट्री शुड बी एग्जाम हमारे जो लोग वहां हैं उनकी इनकम पे अगर टैक्स नहीं लिया जाता तो उनके जो एम्प्लॉय यहाँ है हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे द अबाव मैंशन ऑफिसर शुड भी सब्जेक्ट टू रिस्पेक्टिव कंट्री एंड शुड नॉट बी एंगेज इन एनी अदर बिजनेस ये सिर्फ उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने चाहिए और कोई अदर बिजनेस में एंगेज नहीं होने चाहिए डन सर अच्छा जी सर Section 106 रेमनोरेशन रिसीव्ड एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन एंटरप्राइजेस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया फॉरेन एंटरप्राइजेस कई अपने एम्प्लॉयज को सर्वे करने के लिए मार्केट सर्वे करने के लिए यू नो प्रोजेक्ट सर्वे करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए या किसी और रीजन के वजह से क्या करती है इंडिया में भेजती है अब वो एम्प्लॉय इंडिया के अंदर में है अब जब तक इंडिया के अंदर में है जितने भी सर्विसेज वो यहाँ रेंडर कर रहा है उसका इनकम तो यहाँ टैक्सेबल होना चाहिए एज पर सेक्शन नाइन सेक्शन नाइन कहता है सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया इनकम विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया अब जब नॉन रेसिडेंट इधर आकर के सर्विसेज रेंडर कर रहा है तो इनकम शुड बी टैक्सेबल इन इंडिया या यहा अरे इनकम शुड भी टैक्सेबल इन इंडिया या यहा Now, ऐसे केस के अंदर में उन्होंने क्या कहा है ऐसे केस के अंदर में उन्होंने कहा कि ठीक है अगर कोई फॉरन नेशनल आ रहा है यहां सर्विसेज रेंडर कर रहा है एंड सर्विसेज डज नॉट एक्सीड अ प्रिस्क्राइब डे सर्विज डज नॉट एक्सीड अ प्रिस्क्राइब डे दैन इनकम विल बी टैक्सेबल इन द अद अदर कंट्री ओनली एंड दैट विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया एंड विल बी एग्जाम चेक कीजिएगा रेम्यूशन रिसिव्ड एज एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरन एंटरप्राइजेस फॉर सर्विसेज रेंडर बाय हिम ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया वॉट आर द कंडीशन फॉरन एंटरप्राइजेज इज नॉट एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया फॉरन एंटरप्राइजेस किसी भी ट्रेड और बिजनेस में इंडिया में एंगेज नहीं होना चाहिए ही स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड इन एग्रीगेट नाइन्टी डेज इंडिया में उनका स्टे नाइन्टी डेज के ऊपर का नहीं होना चाहिए सच रेमरेशन इज नॉट लाइबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम ऑफ एम्प्लॉयर चार्जेबल टू टैक्स एंड दैट अमाउंट शुड नॉट बी लाइबल टू बी चार्जेबल टू टैक्स और डिडक्शन ऑफ टैक्स इन दिस पर्टिकुलर कंट्री So, अगर आप देखें 90 डेज से ऊपर नहीं है वो इंडिया में स्पेसिफिक इसमें एंगेज नहीं है बिजनेस के अंदर में राइट एंड सच रेमोनोरेशन इज नॉट लाइबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर चार्जेबल टू टैक्स तो बॉस ऐसे केस में उसको इनकम क्या हो जाएगी बेटा एग्जाम हो जाएगी राइट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सीधा टेन सिक्स के ऊपर यहां ेशन रिसीव एज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फॉरन स्टेट ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया इन कनेक्शन विद ट्रेनिंग इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड गवर्नमेंट अब क्या होता है जैसे मेट्रो हो गया मेट्रो right? के लिए टेक्निकल नॉलेज देने के लिए क्या किया जाता है फॉरन एंटरप्राइजेस से बुलाया जाता है फॉरन से लोग बुलाए जाते हैं और वो लोग आकर के यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं किसको प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट ऑफिस या कॉरपोरेशन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं राइट अब ये लोग यहां आ रहे हैं सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं इनकम वुड हैव बीन टू टैक्स इन इंडिया पर इनको क्या दिया गया एग्जामिशन दिया गया क्योंकि अगर ऐसा एग्जामिशन नहीं देते तो वो लोग ट्रेनिंग करने ही नहीं आते वो कहते भैया आप हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे एक तो हम आपको काम करना भी सिखाए उसके ऊपर पैसे भी यू नो यू नो पैसे भी हम आपको प्रोवाइड करें काम भी प्रोवाइड करे बिकॉज मैक्सिमम केस में इस तरह की फंडिंग हम फॉरन से एक्वायर कर दे पैसे भी हम दे ट्रेनिंग में हम दे उसके बाद जो हम पैसा कमा रहे हैं उसके ऊपर आप टैक्स लेकर के जाओ ये नहीं चलेगा इसीलिए उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि भैया अगर कोई फॉरन नेशनल है अगर कोई फॉरन नेशनल है वो क्या कर रहा है यहां आकर के ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है टू गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेशन विच हैज बीन स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट तो ऐसे केस में उनकी इनकम क्या होगी होगी चेक कीजिएगा इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट सैलरीड एम्प्लॉयड गेटिंग अ रेमुनरेशन रिसीव्ड एज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन स्टेट किसी फॉरेन स्टेट के गवर्नमेंट की तरफ से उसको पैसा आ रहा है ड्यूरिंग ए स्टे इन इंडिया इन कनेक्शन विथ ट्रेनिंग इन एनी गवर्नमेंट ऑफिसर्स रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ये इनकम एग्जाम होगी ये इनकम क्या होगी बेटा एग्जाम होगी अच्छा जी सर ध्यान से सुनिएगा सर 1976 से लेकर के 2002 तक के कई अग्रीमेंट्स ऐसे हुए पहले रॉयल्टी के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ 1976 के पहले की कई अगर कंडीशन गवर्नमेंट रिक्ड अग्रीमेंट है तो ये रॉयल्टी को नॉट डीबल इन इंडिया कर दिया जाता था ऐसा क्यों किया जाता था जस्ट इंडिपेंडेंस हुआ था कुछ साल पहले और यहां पर हमें न्यू टेक्नोलॉजीज की जरूरत थी तो ये वो दौर था कि जहां पर हम टेक्नोलॉजी और अदर चीजें किसके ऊपर डिपेंडेंट थे नॉन रेसिडेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे नॉन रेसिडेंट्स अगर

अब यही पैटर्न उठाया गया 1976 से 2002 के बीच में भी 1970 यू you नो know, 1976 से लेकर के 2002 के बीच में जो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न्स ने फॉरेन कंपनी दैट इज नॉन रेसिडेंट को क्या किया होगा अगर रॉयल्टी प्रोवाइड की होगी टेक्निकल सर्विसेज की फीस दी होगी और यह अग्रीमेंट अप्रूव्ड है बाय गवर्नमेंट यह अग्रीमेंट अप्रूव्ड है बाय गवर्नमेंट देन सच फॉरेन कंपनी इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन इंडिया so tax paid by government or indian concern entered after 1976 before 2002 by the government or any indian concern by government or any indian concern on income derived by way of royalty or fees for technical services by the foreign company from government or indian concern will be totally exempt will be totally exempt यस yes, मालिक चलो जी बहुत बढ़िया चलो जी बहुत बढ़िया राइट right? नीचे आइए कुछ सेक्शन है टेन सिक्स बी टेन सिक्स बी बी इसको आप छोड़ सकते हो मतलब आप एक बार लर्न भी करोगे तो भी चल जाएगा बट इसको आप छोड़ सकते हो आगे आइए टेन सिक्स सी स्टार मार्क कीजिएगा कुछ फॉरेन कंपनीज जिनको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कुछ फॉरेन कंपनीज जिनको गवर्नमेंट क्या करेगी नोटिफाई करेगी इफ दे आर डिराइविंग एन इनकम फ्रॉम रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अब पहले तो इन्होंने ईयर वाइज किया 1976 के पहले 1976 के बाद 2002 तक के 2002 के बाद इसके बाद गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड प्रोविजन लेकर के आ गया हम कुछ फॉरन कंपनी को नोटिफाई करेंगे इन फॉरन कंपनीज को अगर रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आ रहे होंगे अंडर एन अग्रीमेंट दैट इन नोटिफाइड कंपनी वुड नॉट बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया सो इनकम डिराइव फ्रॉम रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अंडर एन अग्रीमेंट विथ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन और आउटसाइड इंडिया इन प्रोजेक्ट कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया अ प्रोजेक्ट विच इज कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ इंडिया सर आज क्या होता है जो बोफोर्स आते हैं राइट right? जो फॉरन से हम आर्म्स इन एम्यूनिटीज परचेज करते हैं जो एयरक्राफ्ट परचेस करते हैं जो डिफेंस के अंदर में काम आते हैं ये लोग जब प्रोवाइड करते, तो करते हैं तो हम इनको रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं राइट अब अगर फॉरन कंपनीज के ऊपर जो हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं इनके ऊपर अगर टैक्स लगा दे तो भाई साहब प्रॉब्लम यह होगा कि ये अपने कॉस्ट बढ़ जाएगी और इसमें देश का ही पैसा जाएगा इसमें किसका जाएगा अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स मनी ही जाएगा तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या किया ठीक है आर्म्स एंड एम्यूनिटीज आप प्रोवाइड कीजिए हम कुछ कंपनीज को नोटिफाई कर देंगे ये अगर प्रोवाइड करते हैं और इनको हम रॉयल्टी और एफटीएस देते हैं क्योंकि क्योंकि सिर्फ एयरक्राफ्ट सप्लाई करने से कुछ नहीं होता बाद में इनको ए भी दिया जाता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाता है जो रॉयल्टी एंड अदर पेमेंट्स के अंदर में कवर किए जाते हैं बाद में सो so, ऐसे केस में जितनी भी इनकम ऑन हो रही है ये इनकम को क्या किया जाता है मालिक एग्जाम किया जाता है क्या किया जाता है मालिक एग्जाम किया जाता है चलो जी बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं एन टी आर ओ ये रिसेंटली एड किया गया है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एन टी आर ओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेटअप इन इंडिया एनटीआरओ अगर नॉन रेसिडेंट फॉरन कंपनी को क्या प्रोवाइड करता है रॉयल्टी प्रोवाइड करता है तो ये रॉयल्टी क्या बेटा एग्जाम है सो so, ये रिसेंटली एड हुआ है इनकम अराइजिंग बाई वे ऑफ रॉयल्टी और एफ टी एस रेंडर्ड इन और आउटसाइड इंडिया टू एन टी आर ओ बाय अ नॉन कॉरपोरेट और फॉरन कंपनी इज टोटली एग्जाम तो एन टी आर ओ द्वारा जो नॉन रेसिडेंट फॉरन कंपनी को पेमेंट जा रहा है यह एग्जाम है यस टेन एट कई बार ऐसा होता है कि नॉन रेसिडेंट टेक्निकल असिस्टेंस सर्विस प्रोवाइड करता है क्या प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंस सर्विस प्रोवाइड करता है अब जैसे कई सॉफ्टवेयर्स है जो इंडिया के अंदर में लेकर क्या है इंडियन गवर्नमेंट चला रही है राइट इंडियन गवर्नमेंट चला रही है या फिर इंडिया के कई प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है कोल इंडिया लिमिटेड को ब्लास्टिंग्स की नई टेक्निक्स बताना इसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस फॉरन से मंगाया जाता है कि कैसे हम एक बहुत बड़े पहाड़ को मिनटों के अंदर में क्या कर दें कोयले के अंदर में कन्वर्ट कर दें या उसको तोड़ दें पत्थरों को क्रश कर दिया जाए अब ऐसे केस में टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत होती है जो हम कई बार नॉन रेसिडेंट फॉरन कंपनी से लेते हैं अब नॉन रेसिडेंट फॉरन कंपनीज क्या करती है अपने एक एम्प्लॉय को यहां भेजती है फॉर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम यस टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम अब ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत उस व्यक्ति को क्या होगा? मिला होगा रेम्यूनोरेशन मिला होगा सर्विसेज रेंडर इंडिया में की तो टैक्सेबिलिटी कहाँ आनी चाहिए इंडिया में आनी चाहिए पर सिंस वो हमें असिस्ट कर रहे हैं हमने उनकी इनकम को क्या कर रखा है एग्जाम कर रखा है फॉरन इनकम एंड रेम्यूनोरेशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरन स्टेट in connection with any cooperative technical assistance program and projects under the agreement between central government and government of a foreign state is totally exempt is totally exempt ने जी आगे आइए स्ट्रेट अवे टेन फिफ्टीन के अंदर में आइए सी एग्जामिशन बहुत सारे दिए गए आपको ना आपको ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा पूछी जाती है उसे हमको क्या करना है रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट करना है आप रेगुलर बैच के अंदर में रहते तो मैं आपको पूरी दुनिया भर की चीजें बताता इसके अंदर की बट जब आपको रिविजन करना है सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड यू हैव टू स्टिक टू फ्यू थिंग्स ओनली यस मेनी फॉरन बैंक्स विच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया Has to keep a deposit with Schedule Bank or RBI, upon which, upon which they generates interest, they generates interest. So interest on deposits made by foreign bank with Schedule Bank, with approval of RBI, income is exempt. That is, interest income is exempt. इंटरेस्ट पेएबल बाय शेड्यूल्ड बैंक ऑन डिपॉजिट्स इन फॉरेन करेंसी वेयर एक्सेप्टेंस ऑफ सब डिपॉजिट इज अप्रूव्ड बाय आरबीआई टोटली एग्जाम सो इंटरेस्ट इनकम एग्जम्ट इंटरेस्ट इनकम ऑन डिपॉजिट इन एन ऑफ बैंकिंग यूनिट अगर ऑफ बैंकिंग यूनिट के अंदर में डिपॉजिट किए गए और उसके अंदर में कोई इंटरेस्ट आ रहा है यह इंटरेस्ट भी क्या है मालिक एग्जमट है यह काम की चीज है यह काम की चीज इंटरेस्ट पेएबल बायिट लोकेटेड इन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड बाईटर वन नाइन टू थाउजेंड नाइन नॉन रेसिडेंट ने क्या प्रोवाइड किया हुआ है बेटा प्रोवाइड किया हुआ है एक यूनिट को जो आई एफ एस सी में ऑपरेट कर रहा है अब आई एफ एस सी में जो यूनिट ऑपरेट कर रहा है आई एफ एस सी के ट्रेड बढ़ाने के लिए क्या किया गया एज ए प्रमोशनल एक्टिविटी अगर कोई यूनिट आई एफ एस सी में सिचुएटेड है जिसने लोन बोरो किया है किससे नॉन रेसिडेंट से यह उस नॉन रेसिडेंट को क्या पे कर रहा होगा इंटरेस्ट पे कर रहा होगा दैट इंटरेस्ट इज एक्समड दैट इंटरेस्ट इज एग्जाम तो यह काम की चीज है बेटा जिसको रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वैसे भी वो आई एफ एस सी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्टेंट पूछ रहे हैं तो यह चीज आपसे पूछी जा सकती है यस yes? आते टेन फिफ्टीन ए के ऊपर जैसा कि मैंने कहा हम एयरक्राफ्ट फॉरन से लेते हैं जब हम एयरक्राफ्ट फॉरन से लेते हैं तो साथ ही साथ में इनके एएमसी कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं इनके एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं इंडियन गवर्नमेंट्स ने कई प्लेन जो लिए हुए हैं ये लीज पे लिए हुए तो लीज रेंटल भी पेमेंट होता है नाउ अगर फॉरेन एंटरप्राइज या गवर्नमेंट स्टेट को हम लोगों ने लीज रेंटल प्रोवाइड किया उन्होंने एनुअल मेंटेनेंस का पैसा अर्न किया इज दैट अमाउंट टैक्सेबल इन इंडिया सिंस अभी हमें जरूरत ज्यादा है एज अ डेवलपिंग नेशन हमें जरूरत ज्यादा है तो हमने इन्हें क्या करना होगा एग्जाम करना होगा सो लीज रेंटल पेड बाय इंडियन कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट टू एक्वायर एन एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजन ऑन लीज अदर देन पेमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस बाय एन अप्रूव्ड अग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन नाइनटीन नाइनटी सेवन एंड नाइनटीन नाइनटी नाइन और आफ्टर टू थाउजेंड एंड सेवन इज टोटली एग्जाम इज टोटली एग्जाम आप अगर कोई लीज रेंटल दे रहे होंगे या एंगेज इन ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट जितनी इनकम उनको हो रही है फॉरन नेशनल को एग्जाम टेन फोर्टी एट 1048 पे पर आई है डायरेक्टी एट अब देखिए हुआ क्या होता यह था कि इंडिया को क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती थी भैया हमारा पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है हमारी गाड़ियां इतनी ज्यादा है तो क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती थी इंडिया को अब इंडिया ने क्या किया होगा इंडिया को हर बार क्या करना पड़ता था पहले डॉलर खरीदने पड़ते थे और डॉलर खरीद करके आपको क्या करना पड़ता था कुवैत में देना पड़ता था ताकि आपको क्रूड ऑयल मिल जाए बराबर है अब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने देखा कि यार इसके अंदर में हमारे को डबल मार पड़ती है पहले आपको यू नो डॉलर खरीदने पड़ते हैं फिर डॉलर्स के पेमेंट्स वहाँ करने पड़ते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की मार पड़ती है एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल आता है इसके हमें हैवी कॉस्ट लगते हैं राइट हैवी कॉस्ट लगते हैं प्लस इन कंपनीज को हमें टैक्स बेनिफिट्स भी देना होता है तो क्या स्कीम निकाली जाए कि इससे काम हो जाए उनने कहा कि हम इंडिया के अंदर में ही अगर कोई फॉरन कंपनी इंडिया में आती है इंडियन करेंसी में पेमेंट कलेक्ट करती है फॉर सेल ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया और टू मेक अ फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया दोनों बातों को ध्यान से सुनना सेल ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया टू मेक अ स्टोरेज फैसिलिटी ये फैसिलिटी बॉस कहाँ है राजस्थान के अंदर में है स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ क्रूड ऑयल और इससे फायदा क्या होगा जो हमारा बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बच जाएगा और क्रूड ऑयल यहीं के यहीं आपको मिलना शुरू हो जाएगा जिन रिफाइनरीज को जरूरत होगी यहीं से अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा एक गुजरात के अंदर में भी सेटअप किया है जहां से रिलायंस रिफाइनरीज को यू नो ये जाता है कच्चा तेल जाता है तो ऐसे केसेस के अंदर में क्या किया गया उन्हें कहा गया अगर आप नॉन रेसिडेंट कंपनीज है आप इंडिया के अंदर में आइए क्रूड ऑयल बेचिए पैसा इंडियन करेंसी के अंदर में एक्वायर कीजिए क्रूड ऑयल फैसिलिटी डेवलप कीजिए यहां पे जहां से आप क्या करो क्रूड ऑयल यहां की रिफाइनरीज को दो हम आपकी इनकम को ही एग्जम्ड कर देंगे इससे क्या फायदा हुआ एक जो हमें डॉलर्स के अंदर में पैसे खरीदने पड़ते थे वो खत्म हो गए मतलब वो बीच से हट गया दूसरी बात वो कंपनीज इंडिया में आई तो यहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो गया हां हमें कुछ फ्रंट्स पे सेक्रीफाइस करना पड़ा और पहला फ्रंट था उनमें से दैट इज लैंड और दूसरा फ्रंट था दैट इज टैक्स उनने क्या कहा 1048 के अंदर में कहा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन रुपीस ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ क्रूड ऑयल और एनी अदर गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट द फॉरेन कंपनी शुड एंटर इनटू अग्रीमेंट एंड दैट्स अग्रीमेंट मस्ट बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन नेशनल इंटरेस्ट तो ऐसी फॉरेन कंपनीज जो सेल ऑफ क्रूड ऑयल कर रही है कहां इन इंडियन रुपीस दैट इनकम इज एग्जम्प्ड यस 1048 अक्रूइंग और एट ऑन अकाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल इन फैसिलिटी आप यहां पे फैसिलिटी बनाइए यहीं से क्रूड ऑयल सेल कीजिएिटी से जो क्रूड ऑयल सेल हो रहा है इसका इनकम भी हम एग्जाम करेंगे अच्छा आपको पता अग्रीमेंट कितने साल का था ये अग्रीमेंट करीब 10 साल का था और कुछ के लिए 15 साल का था जिसके तहत नॉन रेसिडेंट फैसिलिटी बनाएगा डेवलप करेगा और 10 साल बाद पंद्रह साल बाद जो भी अग्रीमेंट होगा उसके बाद यह गवर्नमेंट के पास शिफ्ट हो जाएगा यह इस तरीके के अग्रीमेंट है जिसमें से कुछ क्रूड ऑयल फैसिलिटी को रखने के अभी गवर्नमेंट के पास आ चुके हैं और कुछ ईयर के अंदर में बाकी भी आ जाएंगे नाउ अब इस स्टोरेज फैसिलिटी से जो आप सेल करोगे और पैसा इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी में लोगे ये भी एग्जाम इनकम अक्रूविंग और अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल इन अ फैसिलिटी इन इंडिया एंड सेल ऑफ क्रूड ऑयल देर फ्रॉम टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इफ नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन नेशनल इंटरेस्ट टोटली एक्साम टोटली एक्साम अब क्या हुआ जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कुछ फैसिलिटीज इंडिया के पास आ चुकी है कुछ स्टोरेज फैसिलिटीज जो फॉरन नेशनल ने बनाई थी वह फैसिलिटीज इंडिया के अंदर आ चुकी है अब हुआ क्या जरा समझना जो स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई थी इनमें कुछ लेफ्ट ओवर स्टॉक था कुछ लेफ्ट ओवर स्टॉक था मतलब जो बिका नहीं या बेचा नहीं गया जो बिका नहीं या बेचा नहीं गया तो अब ऐसे केस में क्या हुआ ऐसे केसेस के अंदर में उन्होंने कहा कि देखिए अब हम लेफ्ट ओवर स्टॉक बेचेंगे आपने फैसिलिटी बना करके यहां से बेचने का इनकम को एग्जम्ट कर दिया हम यहां पे क्रूड ऑयल ला करके सेल करते हैं वो एग्जाम कर दिया अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं ये जो लेफ्ट ओवर स्टॉक है इसको हम लेकर के तो जा नहीं सकते ये लेफ्ट ओवर स्टॉक बेचेंगे तो आप हमारे को टैक्स लगा दोगे हमारे लिए कीजिए हमने इतना लंबा रिलेशन साथ में गुजारा है जो लेफ्ट ओवर स्टॉक भी हम सेल करते हैं इसके ऊपर भी टैक्स मत लीजिए भले ही फैसिलिटी आपके पास चले गई है इसका राइट्स आपके पास चले गए पर उसमें हमारा स्टॉक आज भी है अब ये लेफ्ट ओवर स्टॉक बेचने के ऊपर भी जो हमारी इनकम आएगी उसको भी आप हमारे को एक्सम्प्ट कर दीजिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ लेफ्ट ओवर स्टॉक फ्रॉम क्रूड ऑयल फ्रॉम अ फेसिलिटी इन इंडिया फ्रॉम अ फेसिलिटी इन इंडिया आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अग्रीमेंट यह बात समझ आ रही है दस साल और पंद्रह साल के अग्रीमेंट से कुछ कुछ केसेस में और ऑन टर्मिनेशन ऑफ द सेट अग्रीमेंट थ द टर्म्स मेंशन देर इन एज द केस में गवर्नमेंट इज फुल्जाम तो यहां पर ला करके क्रूड ऑयल से सेल करना सेना एग्जाम और यह फैसिलिटी गवर्नमेंट के शिफ्ट होने के बाद अगर लेफ्ट ओवर स्टॉक भी अगर आप देखते हो वो भी एग्जाम कर दिया गया यस yes? अच्छा जी अब जरा ध्यान से सुनिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज तो बनवा करके ले ली हाईटेक फैसिलिटीज बनवा करके ले ली दस साल तक के उन्होंने चलाया फॉरन कंपनी ने इनकम कमाई उसको एग्जाम कर दिया इसके बाद लेफ्ट ओवर स्टॉक बेच करके भी जो इनकम एग्जाम हुई वो हुई अब फैसिलिटी का खाली रखोगे क्या भारत सरकार इस फैसिलिटी को रिफिल करेगा ना वो क्रूड ऑयल लेगा और यहां की जो रिफाइनरीज है उनको बेचेगा लेफ्ट ओवर थोड़ी ना रहेगा भाई वो अब फैसिलिटी बना के करोगे क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट ने क्यों बनाई ताकि क्रूड ऑयल वो खुद खरीद सके क्योंकि हमारे पास वैसे फैसिलिटीज ही नहीं थी अब एक और सवाल उठा अब फॉरेन कंपनीज इन खाली को भरेगी अब गवर्नमेंट बोलेगी भैया अब तो तेरी इनकम टैक्सेबल है फॉरेन कंपनी फिर अड़ गई फॉरेन कंपनी बोला ये क्या मजाक हुआ फैसिलिटी हमने बना के दी ऑपरेशन हम कर रहे थे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि आपको ऑपरेशन करने हैं हमने बोला ठीक है तो हमें टैक्स क्यों लगा रहे हो एक काम करो हम अगर इसे रिफिल भी करते हैं ऐसा कोई अग्रीमेंट बनाएंगे हम समय समय पे इसे रिफिल करेंगे हर छह महीने के अंदर में इसे रिफिल करेंगे लेकिन रिफिल करने का जो पैसा भारत सरकार देगी हम इस पर टैक्स नहीं देना चाहते भारत सरकार कोई नया लॉ ले, लेकर के आओ नया लॉ लेकर के आया टेन सी ध्यान से सुनना नया लॉ लेकर के आ गया टेन सी के अगर इनकम अरेजमेंट फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ क्रूड ऑयल स्टोर्ड इन इट्स फैसिलिटी इन परसुएंस टू द direction ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्जाम इज एग्जाम अच्छा जी बताइए सर टेन फिफ्टी आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा इक्वलाइजेशन लेवी एनी वन वट इज इक्वलाइजेशन लेवी एनी वन वॉट इज इक्वलाइजेशन लेवी क्या है इक्वलाइजेशन लेवी कोई बता सकता है एनी वन वॉट इज इक्वलाइजेशन लेवी कोई भी बता सकता है क्या आखिर इक्वलाइजेशन लेवी क्या है मेनली फोकस्ड गूगल फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर क्या था यह फोकस फोकस ये था कि ये जो कंपनीज़ है आज ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डिजिटल एडवर्टीजमेंट से बहुत पैसा कमा रही है आज ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डिजिटल एडवर्टीजमेंट से बहुत पैसा कमा रही है अब गवर्नमेंट को ये ट्रेस करने में मुश्किल आ रही है कि एक्जैक्टली exactly ये पेमेंट कमा कितना रहे ऐसे केस में गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट के अंदर में चेंज करके इक्वलाइजेशन लेवी लेकर के आया होगा तो अगर हमने किसी कंपनी के इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट किया गूगल को पेमेंट कर रहा हूं पांच लाख रुपए का फॉर द परपज ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट बराबर है तो ऐसे केसेस के अंदर में ऐसे केसेस के अंदर में क्या होता था ऐसे केसेस के अंदर में मैं अगर उनको कोई पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी है एक बार अगर किसी नॉन रेसिडेंट का इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट हो गया तो उसकी इनकम जो है ये क्या हो जाती थी बेटा एग्जाम क्योंकि उससे जो टैक्स आना था वो आपने वसूल लिया सो so, ये था प्रोविजन अच्छा रिसेंटली इक्वलाइजेशन लेवी के अंदर में ई कॉमर्स ऑपरेटर का कंसेप्ट आया है आप लोग अवेयर है इस बारे में ई कॉमर्स ऑपरेटर का कंसेप्ट आया है सो so, सेम वही है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन लाया गया है तो अब दोनों बातें हैं अगर कोई व्यक्ति जिसका इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट हुआ हो या कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका कोई इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट हुआ हो इसकी इनकम एक्समटेक्शन टेन फिफ्टी इसकी इनकम अंडर सेक्शन टेन चेक इट आउट इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी स्पेसिफाइड सर्विसेस स्पेसिफाइड सर्विसेस एरो करके आप लिख सकते हो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डिजिटल एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डिजिटल एडवर्टीजमेंट यस सो एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन और आफ्टर द डेट ऑन विच द प्रोविजन कम इन टू फोर्स और एनी ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज मेड और प्रोवाइडेड और फैसिलिटेड आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2021 अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवल डिडक्ट करी है तो जिसका आपने इक्वलाइजेशन लेवल डिडक्ट करी है उसके हाथ में इनकम क्या हो जाएगी मालिक एग्जाम रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड भारत के प्रधानमंत्री जी फॉरेन में गए और रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को प्रमोट किया उनने कहा कि अगर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड एक स्पेसिफिक पीरियड के बीच में आपने लिया हुआ है तो इसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट पे कर रही है कोई भी इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट किसी भी नॉन रेसिडेंट को नॉन रेसिडेंट विल नॉट बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया अगर नॉन रेसिडेंट रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड लेता है बिटवीन अ पर्टिकुलर पीरियड तो इसके दौरान में जितने आपने इस दौरान में अगर परचेज किया इसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है ये पूरा का पूरा एग्जाम्प हो जाएगा इन ऑफ नॉन रेसिडेंट सो एनी इंटरेस्ट विच इज पेबल बाय इंडियन कंपनी और अजनेसर्स कोई इंडियन कंपनी या कंपनीसर्स पे कर रही है किसको पे कर रही है नॉन रेसिडेंट को इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी इज बोरोड रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड बिगनिंग फ्रॉम द पीरियडेंबर टू थाउजेंड एटीन टू थर्टी वन थ्री टू थाउजेंड नाइनटीन अगर सप्टेंबर टू थाउजेंड एटीन से थर्टी थ्री टू थाउजेंड नाइनटीन के बीच में आप लोगों ने रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड परचेज किया होगा दैट इज नॉन रेसिड ने रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड परचेज किया होगा इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आ रहा होगा जो कहीं इंडियन कंपनी से आ रहा होगा या बिजनेस ट से आ रहा होगा यह पूरा का पूरा एग्जाम है चेक कर लो मालिक डन है अच्छा जी सर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं टेन फोर डी के ऊपर आते हैं सर ये सेक्शन नंबर याद करने का पॉसिबली आपसे याद ही नहीं होने वाले इतने सेक्शन है और उसमें भी नॉन रेसिडेंट के इतने डेंजर सेक्शन है आपको सेक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं है साहब सेक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं है तुम सिर्फ एक काम करना तुमने इसके प्रोविजन और वो भी जो मैंने आपको स्टार स्टारमार्क किया पढ़ लेना एनआर एग्जामेशन में काफी हो जाएगा सर्टन इनकम टू स्पेसिफाइड फंड स्पेसिफाइड फंड मीन अ फंड इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट कंपनी एल एल पी बॉडी कॉरपोरेट and satisfying certain condition so certain income to a specified fund that is capital gain on transferred referred to in section 40, uh, 47 on uh, rsc located in ifsc and consideration paid or payable in foreign currency or capital gain on transfer of securities other than shares of a company which is resident in india और एनी इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी इश्यूड बाय नॉन रेसिडेंट दीज इनकम आर एक्जाम स्पेसिफाइड फंड की कुछ इनकम एग्जाम कौन कौन सी अ कैपिटल गेन जब ट्रांसफर हुआ हो रिक्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज इशूड बाई नॉन रेसिडेंट डरे जी इस एंगल में दो अपडेट हुए अगर यूनिट होल्डर को भी कोई इनकम होती है स्पेसिफाइड फंड के यूनिट होल्डर को भी कोई इनकम होती है वो एग्जाम इनकम फ्रॉम अ स्पेसिफाइड फंड और ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड इज एग्जाम ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए बाद में आएंगे इसके ऊपर वापस अब आते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर जरा बात समझिएगा सबसे पहला पार्ट क्या था नॉन रेसिडेंट की इनकम जो एग्जाम है हमने ये वाला पार्ट पढ़ा चैप्टर चालू किया कुछ डेफिनेशन पढ़ी डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम कहाँ गए ये चैप्टर पता है लेंदी कहाँ जाता है ये एग्जामेशन जब बीच में आ जाता है ये चैप्टर बहुत लेंदी हो जाता है क्योंकि एग्जामेशन थोड़ा सा बोरसम है पर पढ़ आपको पढ़ना पड़ता है सर इसीलिए मैंने आप देख सकते हैं पूरे आपको नहीं बताया जितने काम के हैं या जितने पास्ट एग्जामिनेशन में पूछे हमने बस उतना डिस्कस किया उसके आगे कुछ डिस्कस नहीं किया अब आते हैं

इनकम विच इज अर्न इन इंडिया एंड इंक्लूड सर्विसेज इन रेंडर इन इंडिया एंड लीव सैलरी विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और विच इज पेबल बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ये एक और चीज इंडिया में टैक्सेबल है अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया पे कर रही है इसके लिए सेक्शन नाइन रिस्पॉन्सिबल है सेक्शन नाइन कहता है अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट है राइट right? अब ये अपने किसी एजेंट को इराक में पेमेंट करता है राइट फॉर एग्जाम्पल टाइगर इंडियन गवर्नमेंट इराक में वर्क कर रहा है उसको पेमेंट कर रहा है सैलरी विल बी टैक्सेबल इन इंडिया बट हां आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे इसका परक्विजिट एंड अलावंस जो होता है ये एग्जाम होता है ओनली रेमुनरेशन इज टैक्सेबल बट परक्विजिट एंड अलाउंस इज एग्जाम क्विजिट एंड अलावेंस इज एग्जाम बड़ी क्लियर है नॉन रेसिडेंट इंडिया में आकर सर्विसेस रेंडर करता है या नॉन रेसिडेंट इंडिया में पेमेंट रिसीव करता है या इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया जाके सर्विसेज रेंडर कर रहा है दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया सर यही अगर इंडियन गवर्नमेंट के दुआ जगह पे रिलायंस कंपनी का होता तो तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती उसको इनकम इराक में ही टैक्स पे करना होता उसको इराक में ही टैक्स पे करना होता हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की हाउस प्रॉपर्टी इनकम देख मेरे भाई नॉन रेसिडेंट को हाउस प्रॉपर्टी पे इंडिया में तभी टैक्स पे करना है मतलब रेंटल इनकम पे तभी टैक्स पे करना है व्हेन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन इंडिया और रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया वेरी सिंपल आरओआर अगर है तो इसकी प्रॉपर्टी कहीं भी हो वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी लेकिन आर एन ओ आर एनआर को तभी टैक्सेबल होता है वेन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन इंडिया और रेंट इज रिसीव इन इंडिया सो इफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया इट इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया गेम ओवर if property is situated outside india then ror fully taxable rnor nr taxable only if it is received in india check karo only if it is received in india बहुत बढ़िया साहब अब आते तीसरे केस पे पीजीबीपी इनकम पीजीबीपी इनकम फॉर अ नॉन रेसिडेंट पीजीबीपी इनकम फॉर अ नॉन रेसिडेंट कैन बी कंप्यूटेड इन इधर ऑफ द टू मेथड पी जी बी पी इनकम फॉर अ नॉन रेसिडेंट कैन बी कंप्यूटेड इधर ऑफ द टू मैथड फर्स्ट अ नॉर्मल कंप्यूटेशन जो हम नॉर्मली करते हैं एड लेस एडलेस दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ पी जी बी पी वो प्लस सम नॉन रेसिडेंट वुड बी एलिजिबल टू टेक प्रिजमटिव इनकम सम नॉन रेसिडेंट वुड बी एलिजिबल टू टेकटिव इनकम विच इज कवर्ड इन सेक्शन फोर बी टू डी फोर्टी फोर बी से डी वो प्रोविजन कवर करता है कुछ इनकम पीजीबीपी की प्रिजम्टिव बेसिस एट परसेंट सिक्स परसेंट वैसे ही नॉन रेसिडेंट एंगेज इन सर्टन बिजनेस उनकी भी इनकम यहां उस तरीके से निकल सकती है देन वी कम टू कैपिटल गेन अर्न बाय नॉन रेसिडेंट A non-resident earning the capital gain. Understand. If capital asset is situated in India, income that is capital gain, long term or short term is taxable in India. So if the capital gain is situated in India, it is always taxable in India. Capital gain is situated in India, it is always taxable in India. If capital asset is situated outside India, in case of ROR, it is taxable in India. In case of RNO or NR, only if the gain is received in India. Only if the gain is received in India. चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आई एफ ओ एस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक डिविडेंड इंटरम इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया सो इफ इट इज अर्न और अक्रूड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया इफ इट इज अर्न और अक्रूड आउटसाइड इंडिया देन फॉर आर एन ओ आर एन एन आर इट इज ओनली टैक्सेबल वेन द अमाउंट इज रिस इन इंडिया वेन द अमाउंट इज इन इंडिया ज दन चलिए आते हैं आगे सो so, ये हेड वाइज कंप्यूटेशन किस तरीके से होगा अब बढ़ते हैं आगे एज वी सेड दॉन रेसिडेंट एज राइट टू कंप्यूट पीजीपीपी इन अव मैनर सो ये है चैप्टर का थर्ड फेज चैप्टर का फर्स्ट फेज इनकम विचार एग्जाम चैप्टर का सेकंड फेज हाउ एंड वेन इनकम विल बी टैक्सीबल दैट इज अंडर वेरियसेर का थर्ड फेज इफ यू हैड टू कंप्यूट पी जीबीपी वी आर हैविंग टू ऑप्शन या तो हम नॉर्मल वे से कंप्यूट करें ट्वेंटी एट टू फोर्टी थ्री सी या तो अगर एस ए कुछ क्लास और क्लासेज में है और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ही हैज राइट टू डिक्लेयर इज इनकम ऑन प्रिजमटिव बेस इसमें सबसे फेमस है शिपिंग बिजनेस एयरक्राफ्ट बिजनेस येस ये जो सबसे ज्यादा बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है चेक करिएगा सेक्शन फोर्टी फोर बी प्रिजमटिव इनकम फॉर अ नॉन रेसिडेंट यस जब पीजीबीपी पढ़ते हैं तब मैं आपको बोलता हूं बेटा वहां का प्रिजमटिव इनकम एनआर में पढ़ेंगे आज वो वादा हम पूरा करते हैं राइट सो प्रिजमटिव इनकम फॉर नॉन रेसिडेंट इफ दॉन रेसिडेंट एंगेज इन शिपिंग बिजनेस इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल मर्सलाइन यस नॉन रेसिडेंट क्लासिक एग्जाम्पल वेरी क्लासिक एग्जाम्पल मर्कसलाइन यहां पर सिचुएटेड नॉन रेसिडेंट है शिपिंग बिजनेस इन इंडिया राइट कैन ही शो इट्स प्रिजमटिव इनकम ऑन टर्न ओवर बेसिस आंसर इज येस दैट इज सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टर्न ओवर और प्रॉफिट डिक्लेयर इज हायर सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टर्न ओवर और प्रॉफिट डिक्लेय विचवर इज हायर सर तो फिर वो टर्नेज टैक्सेशन रहता था वो भी यही होता था नाम मुन्ना ना टनेज टैक्सेशन वॉज अ स्कीम फॉर इंडियन शिपिंग कंपनीज यहां बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं अपना कंफ्यूजन पहले ही लाइफ में क्लियर कर लेना ज टैक्सेशन इज अ स्कीम फॉर इंडियन शिपिंग कंपनी फॉरन शिपिंग कंपनी के लिए इधर कंप्यूट पीजीबीपी पी पर पर नॉर्मल प्रोविजन और डिक्लेयर द इनकम सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टर्न ओवर दैट्स इट सर वॉट विल इंक्लूड टर्न ओवर टर्न ओवर में क्या क्या आएगा टर्न ओवर इंक्लूड इनकम ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ एनी पैसेंजर पैसेंजर को कैरेज करके लेके जाते हैं उसका इनकम मेल कैरी करके लेके जाते हैं उसका इनकम गुड्स या लाइफ स्टॉक लेके जाते हैं उसका इनकम जितने भी डिमरेज चार्जेस इन्होंने कलेक्ट किए होंगे उसका इनकम हैंडलिंग चार्जेस जो कलेक्ट किए होंगे उसका इनकम एंड पेमेंट ऑफ सिमिलर नेचर जो इन इंडस्ट्री इन के अंदर में होगा इन सबको करके आपका टर्नओवर बनाएगा टर्न का सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इज इनकम राइट गुड्स बी शिफ्ट फ्रॉम इंडिया और शिफ्ट टू इंडिया डजेंट मैटर गुड मे बी शिफ्ट फ्रॉम इंडिया और शिफ्ट टू इंडिया डर टर्न ओवर के अंदर में हम काउंट कर सकते हैं प्रॉफिट ऑफ सब बिजनेस इज लाइबल टू टैक्स इन द प्रीवियस इट सेक्शन वन सेक्शन 172 आपको याद होगा कि द जनरल रूल इज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर द जनरल रूल इज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर बट इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस द द टैक्स हैज टू बी पेड इन प्रीवियस ईयर इन्हें डॉक छोड़ने से पहले इनकम टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है ये जो 7.5 परसेंट का टैक्स होता है ना वो तुरंत पे करना होता है क्या आपको पता है ये जो शिप होती है यहां पे कस्टम ऑफिस होता है कस्टम ऑफिस के बाजू ही बिल्कुल एक टेबल चेयर लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला भी बैठेगा आपने जितना भी गुड्स लाइफ स्टॉक एंड अदर चीजें इंडिया में लिया टर्न ओवर कमाया आपको एक टर्न ओवर का डिक्लेरेशन देना होगा उस हिसाब से वो आपको टैक्स कंप्यूट करके देगा और आपको चलान पे करके आगे बढ़ना होगा सो जनरली इन नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस अगर है द टैक्स हैज टू बी पेड इन द प्रीवियस ईयर इट्स सेल्फ अच्छा जी सर सो so, There is a difference between 44B and 172 as been declared by V.M. Salgaonkar and Brothers Company, Karnataka. Remember to sir. Yes, shipping business ko hai. Huh. 44B. Non-residents provide plant and machinery in India and they specially rent it out. They specially rent it out. फॉर एक्स्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल ना मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है सर सबसे पहले ये मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन जो होता है मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन जो होता है कि भैया क्रूड ऑयल कहाँ मिलेगा इसके लिए बहुत ह्यूज मशीनरी लगती है बहुत फ्यू कंपनीज़ हैं इंडिया के अंदर में राइट इंक्लूडिंग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो ये काम करती है कि भैया यहाँ पर मिनरल ऑयल किधर है इसके लिए तीन चीज़ें लगती है पहला होता है एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन मतलब जाकर के ढूंढना कि कहा क्रूड ऑयल मिल सकता है मिनरल ऑयल मिल सकता है क्लियर है एक्सप्लोरेशन के बाद होता है एक्सट्रैक्शन वहां से निकालना और तीसरा होता है प्रोडक्शन इसलिए आप जब भी वर्ड देखोगे तो आपको तीन वर्ड कॉमन दिखेंगे एक्सट्रैक्शन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन तीन वर्ड आपको देखने को मिलेंगे Now, ऐसे केसेस के अंदर में इनके लिए जो मशीनरीज लगती है ये ह्यूज मशीनरीज लगती है कोई भी इंडिया की कंपनी इतना ह्यूज प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा तो वो क्या करते हैं वो स्ट्रेट अवे प्लांट एंड मशीनरी हायर कर लेते हैं और प्लांट एंड मशीनरी के हायर चार्जेस नॉन रेसिडेंट को देते हैं बहुत कॉमन प्रैक्टिस है बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, है। बाकू एक कंट्री है अब मैं आपको बता दूं कल हमारा इंटरनेशनल टैक्स का एक और सेशन है आज मैं जरूर एनआर टैक्सेशन ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये बहुत क्रूशल टॉपिक है मैं कल आपका ट्रांसफर प्राइसिंग लूंगा कल इंटरनेशनल टैक्स भी है कल मैं ट्रांसफर प्राइसिंग भी लूंगा तो आप लोग आपके जितने दोस्त हैं सबको कनेक्ट कर लेना राइट right? तो आप ध्यान से सुनिएगा ये क्या करते हैं एक कंट्री है अजहर भाईजान एक कंट्री है अजहर भाईजान जिसका कैपिटल है बाकू जिसका कैपिटल है बाकू बाकू के अंदर में सबसे ज्यादा फॉरेन कंपनीज है जो ये एंड मशीनरी किराए पे देने का काम करती है सबसे ज्यादा राइट right? नाउ अगर किसी भी फॉरेन कंपनीज को प्लांट एंड मशीनरी फॉर एक्सप्लोरेशन एक्सप्लाटेशन ऑफ मिनरल ऑयल के लिए दिया गया है तो इसके ऊपर 10 परसेंट ऑफ टर्न ओवर विल बी ट्रेटेड एज पी क्योंकि मशीनरी एक नहीं होती है बहुत सारी होती है राइट right? कई चीजों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं मान लो हमारे पास मशीनरी है तो वो सिर्फ स्पेयर पार्ट प्रोवाइड करते हैं तो जो भी टर्न ओवर होगा उसका टेन और प्रॉफिट डिक्लेयड एवर इज हायर सो चेक कीजिएगा बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फेसिलिटीज इन कनेक्शन विद सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑइल टेन परसेंट ऑफ टर्न ओवर और प्रॉफिट डिक्लेयर विच एवर इज हायर इफ एस एस यू विश टू क्लेम लोअर प्रॉफिट दिस कैन बी डन अंडर फोर्टी फोर डबल बी फोर्टी फोर डबल बी के अंदर में क्या किया जा सकता है लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर किया जा सकता है प्रोवाइड्स यू हैव टू मेंटेन द अकाउंट एंड डू द टैक्स ऑडिट यू हैव टू मेंटेन द अकाउंट एंड डू द टैक्स ऑडिट यस yes, मालिक चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट इस बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट कई फॉरन कंपनीज है जो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग करती है कहां पर बेटा इंडिया में यस yes. कौन कौन सी कंपनी है एमिराट्स देख लो एयर एशिया देख लो थाई एयरवेज देख लो यस यूएस एयरलाइंस देख लो तो ये कंपनीज क्या करती है इंडिया के अंदर में ऑपरेट कर रही है क्या बेटा एयरक्राफ्ट बिजनेस अब एयरक्राफ्ट बिजनेस का इन्होंने क्लियर कट प्रोवाइड कर दिया फाइव परसेंट ऑफ टर्न ओवर और प्रॉफिट डिक्लेयर एवर इज हायर सो ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट फाइव परसेंट ऑफ टर्न ओवर और प्रॉफिट डिक्लेयर एवर इज हायर टर्न ओवर के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होगा एवरीथिंग जो इससे आ रही है एवरीथिंग जो इससे आ रही है नेक्स्ट फॉरेन कंपनीज एंगेज इन द सिविल कंस्ट्रक्शन और पावर प्रोजेक्ट्स। फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर में सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर में एंगेज होती है जो बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स होते हैं डैम प्रोजेक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं अब जैसे यू uh, नो you know, Uh, जो बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं जहाँ पे यू you नो know, पहाड़ के बीच में से रास्ता निकालना है या कोई हाइपर लूप बनाना है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में फॉरेन कंपनीज इन्वॉल्व होती है अब फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर के यू you नो know, क्या कर रही है बिजनेस कर रही है इन कनेक्शन विद सिविल कंस्ट्रक्शन और पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर में विच आर अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे केस में इनकी जितनी भी इनकम आ रही है टेन परसेंट ऑफ टर्नओवर और प्रॉफिट डिक्लेयर्ड विच एवर इज हायर सो फॉरन कंपनी एंगेज इन सिविल कंस्ट्रक्शन बिजनेस इन कनेक्शन विद पावर प्रोजेक्ट टेन परसेंट ऑफ टर्नवर और प्रॉफिट एवर इज हायर अब इसमें याद रखने लायक कौन कौन सी चीजें है एक है शिपिंग दूसरा है एयरक्राफ्ट जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है अच्छा फोर्टी फोर डी फोर्टी फोर डी को तो हम विस्तार में भी देखेंगे यहां पे भी पढ़ लेते हैं रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज डिराइव फ्रॉम फॉरेन कंपनी फ्रॉम गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न अगर कोई रॉयल्टी है जो अर्न कर रहा है किससे गवर्नमेंट से इंडियन कंसर्न से दैट रॉयल्टी हैज़ अ जनरल टैक्स रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट टैक्स रेट की बात कर रहे हैं टैक्स रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट फोर्टी फोर डी ए फोर्टी फोर डी ए इनकम फ्रॉम रॉयल्टी इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट रॉयल्टी अगेंस्ट एफ टी एस अराइजिंग आउट ऑफ एन अग्रीमेंट आफ्टर टू थाउजेंड थ्री वी नॉन रेसिडेंट कैरीज बिजनेस इन इंडिया थ्रू अ पीई राइट प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रॉयल्टी और एफ टी एस पेड इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विथ अ पी ई अगर कोई नॉन रेसिडेंट का पी ई इंडिया के अंदर में सिचुएटेड है राइट right? और इस पी ई के चक्कर में आपको क्या करना पड़ता है रॉयल्टी और एफ टी एस देना पड़ता है तो दैट अमाउंट विल बी विल बी टैक्सेबल इन इंडिया दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया हाउ एवर फॉलोइंग एक्सपेंसेज आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन ये जो इनकम रहेगी इसमें से कुछ एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है एक्सपेंसेस और अलाउंस इनकर्ड विच इज नॉट होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर सच पीई जब हम इसका कंप्यूटेशन करते रहेंगे तो एक्सपेंसेस विच आर नॉट होली एंड एक्सक्लूसिवली डन इन कनेक्शन विद अ पी आप उसको माइनस नहीं करोगे एन अमाउंट पेड अदर देन रीइम्बर्समेंट बाई पी टू हेड ऑफिस ऑफ द एक्सपेंडिचर एनी अमाउंट पेड अदर देन रीइम्बर्समेंट टू हेड ऑफिस रिमबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के अलावा अगर कोई भी अमाउंट हेड ऑफिस को पे किया आप इसे माइनस नहीं करोगे बुक्स अकाउंट नीड्स टू बी मेंटेन सो ध्यान से सुनिए अगर कोई रॉयल्टी या अर्न कर रहा है अंडर एन अग्रीमेंट वे नॉन रेसिडेंट कैरीज अ बिजनेस इन इंडिया थ्रू अ पी अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में बिजनेस पी e. के थ्रू कंडक्ट कर रहा है और ये पी e. के थ्रू कोई रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेज आ रही है दैट अमाउंट इज इसमें से आप क्या माइनस करोगे ओनली एक्सपेंसेस विच आर होल्ली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर दैट पी अमाउंट पेड फॉर द पर्पज ऑफ री एंबर्समेंट ये दो चीजें माइनस करोगे अकाउंट एंड ऑडिट मेंटेन करना एंड इनकम विल बी कंप्यूटेड एनीबडी वॉट इज फोर्टी फोर सी एनी वन वॉट इज फोर्टी फोर सी एनी वन वॉट इज फोर्टी फोर सी जब हम कोई भी ब्रांच फॉरेन कंपनी की अगर कोई ब्रांच होती है हम उसका इनकम कंप्यूट करते हैं तो एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं सब्जेक्ट टू फोर्टी फोर सी सब्जेक्ट टू फोर्टी फोर सी राइट इसे हम कहते हैं हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अब कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ जो हाई टैक्स कंट्रीज होती है हेड ऑफिस सिचुएट कर देते हैं लो टैक्स कंट्री के अंदर में और यू uh, नो you know, ब्रांच सेट कर देते हैं हाई टैक्स जुरिस्टिक्शन के अंदर में ब्रांच कहाँ सेट कर देते हैं हाई टैक्स जुरिस्टिक्शन के अंदर में अब ब्रांच से क्या किया जाता है हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस पुराए जाते हैं हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस पुराए जाते हैं ताकि हाई टैक्स जुरिस्टिक्शन के अंदर में ज़्यादा यू नो एक्सपेंसेस बुक हो जाए और लो टैक्स जुरिस्टिक्शन के अंदर में ज़्यादा इनकम बुक हो जाए इस तरीके की चीज़ें चलती है ताकि ओवरऑल टैक्स प्लानिंग की जा सके नाउ क्या किया गवर्नमेंट ने सेक्शन 44 सी ला करके लिमिट कर दिया उनने कहा इनकम ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज कंप्यूटेड एज पर 28 टू 43 44 डी मतलब इनकम जो ब्रांच का कंप्यूट होगा वो नॉर्मल पीजीबीपी के जैसे ही कंप्यूट होगा लेकिन फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड एज रिडक्शन दैट इज लोअर ऑफ फाइव ऑफ एटीआई जो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम होगा उसका पांच परसेंट या एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो भी लोअर होगा उतना ही एक्सपेंसेस हेड ऑफिस बोल के अलाउ किया जाएगा मतलब पहले क्या होता था हेड ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से कुछ भी पेल दिया जाता था आज उनने क्लियर कर दिया हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कितना अलाउ होगा मैक्सिमम फाइव ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और एक्चुअल एवर इज लोअर यस ए कैसे निकाला जाएगा ए फोर गिविंग द इफेक्ट टू ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड डिडक्शन सिक्स ए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंडक्शन चैप्टर सिक्स एस अगर ए टी आई ही लॉस आ जाए तो इफ ए टी आई इज ए लॉस देवरेज एंसिडर्ड अगर एटीआई ही लॉस है तो लास्ट तीन ईयरस का एवरेज ए टी आई लेकर के भी आप काम कर सकते हो हेड ऑफिस एक्सपेंसिस में क्या क्या इंक्लूड होगा पहला जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो ब्रांच कर रहा है रेंट रेट्स इंश्योरेंस ऑफ एनी प्रस आउटसाइड इंडिया जो यहां से जा रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ एनी एम्प्लॉय अगर फॉरेन से कोई आ रहा है तो उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी यहीं बुक किया जा रहा है सच अदर एक्सपेंसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब सच अदर एक्सपेंसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब सो एक बार पूरा प्रिजमटिव इनकम चेक कर लीजिए इसमें काम की चीजें तीन शिपिंग बिजनेस एयरक्राफ्ट बिजनेस और ब्रांच ऑफ फॉर्नेट ये जो फ्रीक्वेंटली आज तक के पूछा गया है उसके बारे में बता रहा हूँ है सर बढ़ते मालिक आगे अब आते हैं हम लोग एक्चुअल चीज़ों के ऊपर जिसके लिए एनआर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा जिसको क्या कहते हैं हम डरावना लगने लगता है जिसके कारण एनआर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा डरावना लगने लगता है वो है ये चीज़ अलग अलग सिचुएशन एंड टैक्स रेट कहां से पढ़ना शुरू करें मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले नीचे आए और इसको पढ़ने की शुरुआत ही आप कहां से करिए सेक्शन 115 बी बी यहां से इसको पढ़ने की शुरुआत करें राइट right? जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं सीक्वेंस के अंदर में पढ़ें सेक्शन हंड्रेड एंड क्या करता है अगर किसी भी व्यक्ति को बी इट रेसिडेंट बी इट नॉन रेसिडेंट अगर किसी भी व्यक्ति को लॉटरी या कैजुअल इनकम अराइज हुआ है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और कैजुअल इनकम यू नो गैमलिंग बेटिंग किसी भी तरीके का दैट इनकम विल चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट विदाउट एनी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट विदाउट एनी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट सो नॉन रेसिडेंट को अगर कोई विनिंग आता है गेम शो का यहां पे राइट right? कोई बेटिंग से वो जीतता है कोई कैजुअल इनकम से वो जीतता है दैट इनकम इज लाइबल डायरेक्टली एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट विदाउट एनी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट विदाउट एनी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट यस चेक करना Where the total income of assessee includes any income by way of lottery, crossword puzzle, racing, including horse race, card game, or game of any other sort, the tax payable shall be at the rate of 30% on such winnings. वॉट इज टैक्सेबल इज से कोई खर्चा नहीं है हमने इनकम में को को होते होते हुए हुए देखा है. आज हम विनिंग को होते देख रहे हैं. अब आप ये पूछेंगे कि भैया और में क्या फर्क है बहुत बड़ा फर्क है अगर मैं दस रुपए की लॉटरी टिकट से सौ रुपए कमाता हूं तो मेरा विनिंग नाइनटी है टेन तो मेरा, था। मेरा विनिंग सॉरी मेरा इनकम नाइनटी ही है विनिंग इज टैक्सेबल पूरे सौ के सौ टैक्सेबल हो जाते हैं नो एक्सपेंसेस आर अलाउड एज डिडक्शन मेरा इनकम नाइनटी हुआ क्योंकि टेन तो मेरा कॉस्ट था पर मेरा विनिंग कितना हुआ हंड्रेड हुआ सो विनिंग इज टैक्सेबल एंड दैट विनिंग इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट द अदर इनकम आर चार्जेबल एट नॉर्मल रेट नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इज अलाउड और शेल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम और सेक्शन 58 ऑफ द आईएफओएस कहता है कि जब आप ये इनकम कंप्यूट करते रहेंगे तो इसमें से कोई भी खर्चे का डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है कोई भी खर्चे का डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है गेम ओवर अब सोचना अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में आता है सोच के देखना साहब मैं आपको दो चीजें साथ में पढ़ाऊंगा टीडीएस भी साथ साथ में पढ़ाऊंगा मैंने आपसे कहा था नॉन रेसिडेंट रिलेटेड टीडीएस अपन यहां डिस्कस करेंगे अब हम यहां डिस्कस कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा सर अगर आपको याद हो नॉन रेसिडेंट इंडिया में पैसा कमाएगा भारत सरकार क्या उसके पीछे जाते बैठे घूमते बैठे कि भैया कब पैसा देगा तू कब पैसा देगा तू नहीं उसने कितना कमाया आपको लगता है वो डिस्क्लोज करेगा नहीं मान लो अब मैं कई बार ऐसा होता है गोवा के अंदर में मैं कई बार जाता हूं बड़ा फ्रीक्वेंट है साहब जाना राइट गोवा के अंदर में जाते हैं में में जाते हैं राइट के अंदर आर मेनी नॉन प्लेइंग राइटर अब वो यहां पे आते हैं इनकम कमा के लेके जाते हैं कैसे इंश्योर करेंगे साहब आप कि वो टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं इसके लिए सेक्शन इसके लिए सेक्शन आया साहब यस yes, सेक्शन 194 बी पहले ये पूरा कंप्लीट करते हैं उसके बाद देखते हैं वेयर सर्टेन परसेंटेज ऑफ लॉटरी इनकम इज पेबल टू गवर्नमेंट और द एजेंसी इज कंडक्टिंग द लॉटरी सच परसेंटेज इज डिडक्टेबल वाइल कंप्यूटिंग द इनकम एज पर सर्कुलर अब ये क्या है मैं वो भी बता देता हूं लॉटरी जब आप जीते ना तो कई लॉटरी के पीछे ना एक कंडीशन होती है कि जो आप जीते हैं उसमें से बीस परसेंट गवर्नमेंट को जाएगा वॉलंट्रीली उसका कंडीशन ही वही होता है अब ऐसा कुछ गया है वो आप डिडक्ट कर सकते हो सीबीडी कहता है वो आप डिडक्ट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है सो लेट से एक करोड़ की लॉटरी लगी और इसमें से बीस लाख गवर्नमेंट को जा रहे हैं तो आपको 80 लाख ही होगा जो क्या करना होगा टैक्स देना होगा हालांकि इसके अलावा कोई खर्चा अलाउ नहीं है यस एंड फॉर द पर्पज ऑफ टी डी एस द लॉटरी प्राइस शैल बी रिड्यूस बाय वेयर सर्टन परसेंटेज ऑफ लॉटरी इनकम इज पेबल टू गवर्नमेंट परसेंटेज ऑफ सच इनकम अगर मान लीजिए ऐसे केस में आपने कुछ अमाउंट किसको दे दिया गवर्नमेंट को दे दिया तो जितना परसेंटेज आपने दिया हुआ है गवर्नमेंट को उतना अमाउंट आपके टीडीएस लाइबिलिटी में से आप क्या कर सकते हो डिडक्ट कर सकते हो बैलेंस टीडीएस आप क्या करोगे पे करोगे यस लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड और करंट ईयरस यू नो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज और करंट ईयर लॉसेस कैनोट भी सेट ऑफ अगेंस्ट दिस इनकम जी हाँ वॉट इज टैक्सीबल इज विनिंग कोई लॉसेज इससे सेट ऑफ नहीं हो सकते यस yes? अच्छा जी सर इधर आइए एक और सवाल सी आई टी वर्सेस मंजू एंड कंपनी अनसोल्ड लॉटरी टिकट्स होती है मान लीजिए मेरे पास दस लॉटरी टिकट थी नौ बिक गई एक बज गई जो बच गई उसी पे विनिंग आ गया अब एक सवाल उठा कि ये तो अनसोल्ड लॉटरी थी अनसोल्ड लॉटरी के ऊपर मुझे इनकम आ गई ये इनकम मेरी टैक्सेबल है या नहीं है Is it a stock in trade taxable as PGBP or it will be treated as income from other sources? The said view was taken on the basis of that unsold lottery tickets cease to be stock in trade for distributor because after the draw of those lottery tickets are unsold and have no value except the waste paper. Hence, the receipt of prize money is not in his capacity as a lottery distributor but as a holder of lottery ticket which won the prize which won the prize so high court contended that winning from lottery by distributor was on account of was not on account of any physical or intellectual efforts made by him and therefore cannot be said to be income earned by him in the business सो so, अगर अनसोल्ड लॉटरी टिकट्स के ऊपर भी आपको इनकम आई है दैट इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज भले ही आपके लिए स्टॉक एंड ट्रेड था पर हाईकोर्ट कहता है कि इसके लिए आपने कोई एफेक्ट या इंटेलेक्चुअल तो लगाया ही नहीं तो ऐसे केस में ये इनकम आपके लिए आई बनेगी ना कि पीजीबीपी अब ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वो नॉन रेसिडेंट हमें टैक्स दे दे ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वो नॉन रेसिडेंट हमें टैक्स दे दे बड़ा सिंपल है बड़ा सिंपल है टीडीएस प्रोविजन लगा दो अब क्या कहा 194 बी इंसर्ट कर दिया मतलब वेन एवर यू हैव टू रीड मैं कॉम्बो बना के देता हूं 115 एंड आपको 194 नाइनटी फोर बी प्लस वन डबल बी ये सब साथ में पढ़ना चाहिए ये तीनों को अगर आप साथ में पढ़ते हो तो आपको ये कंसेप्ट पूरा एकदम इजीली समझ में आ जाएगा 194 बी क्या कहता है 194 बी कहता है अगर कोई भी व्यक्ति जो पेयर है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग किसी को भी पे कर रहा है रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट को विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा ये विनिंग अगर दस हजार से ऊपर जा रही है तो टीडीएस डिडक्ट होगा डी एस डिडक्ट होगा एक और बात याद आप दिला दू आपको साहब जब टीडीएस कटता है नॉन रेसिडेंट का तो इसमें इस सरचार्ज भी आता है इफ एनी एप्लीकेबल मतलब तीस परसेंट तो यह टीडीएस रेट होगा प्लस इसके ऊपर सेस भी लगेगा प्लस इसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा इफ एनी एप्लीकेबल द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी पर्सन बाई वे ऑफ लॉटरी और क्रॉस पर्सन गेम ऑफ एनी शॉर्ट एक्सीडिंग टेन थाउजेंड रुपीज शैल एट द टाइम ऑफ पेमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्ट द इनकम टैक्स देर ऑन एट द रेट इन फोर डिडक्ट द टैक्स देर ऑन एट द रेट इन फोर्स ये प्रोवाइडेड वेयर द विनिंग इज आर होली इन काइंड और पार्टली इन काइंड ऐसे केस में क्या क्या जाता है मान लीजिए अगर विनिंग काइंड में है तो मान लीजिए कोई मैंने लॉटरी लगाया और इस पर मेरे को महेंद्र थार मिली तो अब क्या होगा पहले अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा और फिर ही विनिंग रिलीज की जाएगी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग शेल बिफोर रिलीजिंग द विनिंग एनश्योर दैट द टैक्स हैज इन रिस्पेक्ट ऑफ दिट विनिंग हैज बीन पेड तो अगर मान लीजिए काइंड में मिला तो जितना अमाउंट इसका टैक्स बनता होगा सामने वाले से आपको लेना है फिर ही देना है यस चलिए सर 194 डबल भी क्या था विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस ये लॉटरी और कैजुअल इनकम के लिए है यह हॉर्स रेसेस के लिए बाकी पूरा सेम दस हजार के ऊपर गया टीडीएस आएगा ही आएगा यह आपको भी पता है सो so, जब भी एनआर टैक्सेशन पढ़ते हो ना मेरे भाई एनआर टैक्सेशन के साथ हमेशा टीडीएस के प्रोविजन पढ़ो एक मिनट में लॉजिक लग जाएगा एनआर टैक्सेशन टैक्स रेट देगा लेकिन ये टैक्स कैसे डिडक्ट होगा ये टीडीएस बताएगा इतना सिंपल है चैप्टर इतना सिंपल है चैप्टर क्यों हो जाता है क्योंकि आपने बहुत फ्रीक्वेंटली इसे देखा नहीं है और ये इतने सारे सेक्शन आ जाते हैं और किस सेक्शन को किसके साथ पढ़ना है ये आपको पता नहीं होता क्योंकि ये मॉड्यूल में सिक्वेंसिंग में नहीं होता तो इसलिए आप कई बार कंफ्यूज हुए हो जाते हो पर डरने की कोई बात नहीं है भाई साहब नेक्स्ट चीज जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है मतलब मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको डाल रहा हूं टैक्स ऑन नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अगर कोई इनकम आ रही है नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अगर कोई इनकम आ रही है तो यह इनकम टैक्सेबल है टैक्स रेट कहा दिए है ट्वेंटी परसेंट हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी बी ए बड़े बड़े एथलीट याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है बड़े बड़े एथलीट एंटरटेनर्स नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन इनको कोई भी पेमेंट किया ये टैक्सेबल इनको पेमेंट क्यों करेंगे आखिर नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन को हम पेमेंट क्यों करेंगे ध्यान से सुनना फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ गेम इन इंडिया यस फॉर एग्जाम्पल लसित मलिंगा इंडिया में आते हैं आईपीएल के अंदर में यू uh, नो you know, खेलते हैं फॉर पार्टिसिपेशन इन गेम इन इंडिया अब जब वो आई में आते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट्स भी करते हैं ऊला ला ले लो तो उसकी भी एडवर्टीजमेंट्स होती है एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाया जाता है फिर ये लोग क्या करते हैं इंटरव्यूज देते हैं इंटरव्यूज से पैसा आता है स्पोर्ट्स कॉलम में अपना आर्टिकल छापते हैं उससे पैसा आता है तो नॉन रेसिडेंट्स को बहुत सारा पैसा इंडिया से आता है स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अगर कोई आपने गेम यहाँ पे कंडक्ट करवाया हुआ है तो एथलीट को जो इंडिया में आ रहे हैं या नॉन रेसिडेंट इंटरटेनर्स जो इंडिया के अंदर में आते हैं नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर्स एक कौन आया कौन अभी मैं छमक छल्लो गाना गाया नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर्स को आपने पेमेंट किया राइट right? आते फसलम जी पाकिस्तान से आए उनको आपने पेमेंट प्रोवाइड किया वॉट इज दैट पेमेंट टू अ नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर नॉन डेंट एंटरटेनर को आपने पेमेंट किया ये सारे पेमेंट के ऊपर टीडीएस रेट है बेटा ट्वेंटी परसेंट प्लस सेस प्लस आपका सरचार्ज इफ एनी एप्लीकेबल बट ये जो टैक्स रेट है ये ट्वेंटी परसेंट है अब ये ट्वेंटी परसेंट कलेक्ट करने का मकानिज्म क्या है जो पे कर रहा है वो टी डी एस डिडक्ट कर लेगा एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट प्लस सेस प्लस सरचार्ज चार्ज यहां पर एप्लीकेबल है वो टैक्स रेट कितना है ट्वेंटी परसेंट कलेक्शन मकानिज्म क्या है टीडीएस सेक्शन कौन सा है टीडीएस का 194 नाइनटी e, ई के पेमेंट के ऊपर टीडीएस सो आप जब भी सेक्शन को पढ़ो दो सेक्शन को एक साथ पढ़ना 115 बीबीए को 194 ई e के साथ पढ़ना ये दो सेक्शन को साथ में पढ़ना आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा टैक्स रेट इधर दिया है उसका टीडीएस रेट वहां दिया है चेक करो being a non-resident sportsman, including athlete, who is not a citizen of india, nor a resident of india, for participation of any game in india? yes? or any sports advertisement contribution to article, newspaper, magazine, journalist? being non-resident sports association, including any amount guaranteed to be paid or payable to such association? being an entertainer who is not a citizen of india? एन इनकम रिसीव और रिसीवेबल फॉर परफॉर्मेंस इन इंडिया क्या टैक्स रेट है बेटा ट्वेंटी परसेंट ये कलेक्ट कैसे करेंगे वन नाइन्टी फोर ई में टी डी एस का रेट दिया हुआ है वन नाइन्टी फोर ई बड़ा सिंपल सी बात कहता है अगर इनकम एक सौ पंद्रह बीबीए के अंदर में टैक्सेबल है इस पर टैक्स रेट ट्वेंटी परसेंट का होगा टी डी एस रेट ट्वेंटी परसेंट का होगा प्लस सेस प्लस सरचार्ज इफ एनी येस सो लसित मलिंगा जी को फिफ्टी लैख के ऊपर का पेमेंट किया जा रहा होगा तो क्या इसके ऊपर सरचार्ज भी आएगा ट्वेंटी परसेंट प्लस सरचार्ज प्लस सेस आएगा सो वेर एनी इनकम रिफर टू इन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बज पेबल टू अ नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्सिएशन एंटरटेनर राइट एंटरटेनर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट शेल एट द टाइम ऑफ सच क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ सच पेमेंट टी डी एस एट ट्वेंटी परसेंट इसके आगे आप लिख सकते हैं प्लस सेस प्लस सरचार्ज इफ एनी सरचार्ज को हमें इफ़ एनी लिखना ज़रूरी है क्योंकि सच्चा हर केस में मैंडेटरीली आता नहीं तो इफ एनी हमें लिखना जरूरी है यस बहुत बढ़िया बेटा बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा आगे हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए सी पे जाए इसके बाद हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए सी पे जाए पेज नंबर इलेवन हंड्रेड एंड फिफ्टीन एसी पे जाए पेज नंबर इलेवन अच्छा जी अब हुआ क्या है बात समझिए गवर्नमेंट ने ना इंडियन कंपनीज को uh, क्या किया हुआ है परमिट किया हुआ है कि ये एडीआर जीडीआर डी इशू कर सके जिन्हें हम कहते हैं बॉन्ड्स राइट एडीआर जीडीआर डी इशू करें तो इसे हम कहते हैं बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय इंडियन कंपनीज विच आर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर और कंपनीज विच आर यू नो सोल्ड बाय गवर्नमेंट नाउ इन बॉन्ड्स के ऊपर ये होते हैं ए डी वाले बॉन्ड राइट right? तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं एफ सी सी बी एफ ई बी बोर्ड के थ्रू क्या किए जाते हैं सेल आउट किए जाते हैं नाउ इन्हें और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ताकि लोग इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स को परचेज करें और कंपिटेटिव बनाने के लिए क्या किया गया टैक्स रेट्स को कम रखे गए मतलब अगर तुम इंडियन कंपनी के एडीआर जीडीआर बॉन्ड लेते हो इस बॉन्ड के ऊपर तुम्हें जो इंटरेस्ट इनकम अराइज हो रही है या इसके ऊपर जो डिविडेंड इनकम अराइज हो रही है जी के ऊपर इसके ऊपर टैक्स रेट बहुत ही मिनिमम रखा गया है मात्र टेन जनरली आपने देखा होगा नॉन रेसिडेंट फॉरन कंपनीज के लिए यू नो नॉन रेसिडेंट कंपनीज या फॉरेन कंपनीज के लिए टैक्स रेट 40 परसेंट है उनने कहा अगर आप इंडियन कंपनीज के बॉन्ड्स या नोटिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो जो आपको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है जो आपको डिविडेंड इनकम आ रहा है ये हम सिर्फ मात्र टेन के टैक्स पे ले लेंगे काम खत्म क्या कहा उन्होंने इनकम रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट ऑन अ बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी और जीडीआर एक्वायर्ड इन अ फॉरेन करेंसी दैट हैज टू बी एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी ओनली द टैक्स शेल बी एट द रेट ऑफ टेन परसेंट यहाँ पे जी का मीनिंग दिया हुआ है जी डी आर मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट और सर्टिफिकेट यू नो विच इज क्रिएटेड बाय ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक सो एंड सो फोर्थ राइट अच्छा जी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स टैक्स रेट इज एप्लीकेबल ऑन द अबव मेंशन इनकम ओनली द बैलेंस इनकम ऑफ द असेसी विल बी चार्जेबल एट द नॉर्मल रेट्स तो सिर्फ आपकी दो इनकम को ही हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ इंटरेस्ट इनकम और दूसरा है डिविडेंट इनकम बाकी इनकम को हम कंसिडर नहीं करते हैं. So, यहां पे हम कौन सी इनकम की बात चल रहे हैं सर इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंट इनकम चेक करें जब आप ये इनकम कंसिडर करते रहेंगे नो डिडक्शन शेल बी अलाउड अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी अदर सोर्सेज और चैप्टर सिक्स ए इन रिलेशन टू तो अबाउ मेंशन इनकम जब आप ये इनकम कंप्यूट करते रहेंगे तो किसी भी तरीके का डिडक्शन आपको मिलने वाले नहीं है प्योर ग्रॉस इनकम के बेसिस पे आपको टैक्स देना होगा द फर्स्ट प्रोविजो एंड द सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी एट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फर्स्ट प्रोविजो एंड सेकेंड प्रोविजो आर नॉट एप्लीकेबल फर्स्ट प्रोविजो में क्या था याद करो नॉन रेसिडेंट के हम कैपिटल गेन कंप्यूट करते थे एवरेज ऑफ टी टी बी आर टी टी एस आर वाला वो एप्लीकेबल नहीं है इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 एट सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 एट इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा फर्स्ट प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं है सो फर्स्ट प्रोविजो एंड सेकेंड प्रोविजो आर नॉट एप्लीकेबल इन कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइट यानी कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से विदाउट गिविंग एन इंडेक्सेशन बेनिफिट क्यों विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट अरे लॉजिकल है मालिक बॉन्ड और डिवेंचर का वैल्यू कभी चेंज होता देखा तुमने हम तो यहां पे स्पेसिफिकली बॉन्ड की बात कर रहे हैं बॉन्ड और जीडीआर की बात कर रहे हैं इनकी वैल्यूज कभी चेंज ही नहीं होती तो इंडेक्सेशन मिलने ही नहीं वाला हाँ फर्स्ट प्रोविजो की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रोविजो हम इनको नहीं देंगे सेकंड तो वैसे भी नहीं मिलने वाला क्योंकि इंडेक्सेशन तब मिलता है जब उसकी वैल्यू चेंज हो बाउंडर जी की वैल्यू चेंज नहीं होती तो इंडेक्सेशन वैसे भी नहीं मिलने वाला दैट इज अ लॉजिकल सेंस ऑफ यू नो सेकंड प्रोविजन ना देने का फर्स्ट प्रोविजन क्यों नहीं दे रहे ये हो सकता था देना चाहिए बट हां उन्होंने शेयर्स के लिए वो प्रोवाइड किया है क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है बॉन्ड्स के के लिए के लिए नहीं होती इसलिए नहीं प्रोवाइड किया सो फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो इज नॉट एप्लीकेबल ये दो बातें काम ग्रॉस बेसिस पर टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कंप्यूट होगा कोई proviso, कोई फर्स्ट प्रोविजो प्रोविजो नहीं मिलेगा वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ द अदर इनकम ऑल्सो देन डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम एंड नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स अप्लाई मान लीजिए नॉन रेसिडेंट को ये इंटरेस्ट और डिविडेंट इनकम फ्रॉम बॉन्ड और जीडीआर को छोड़कर कोई अदर इनकम भी आ रही है लेट से पीजीबीपी तो पीजीबीपी में से चैप्टर सिक्स के डिडक्शन मिल जाएंगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉन्ड और जीडीआर से नहीं मिलेंगे इट शेड नॉट बी नेसेसरी फॉर नॉन रेसिडेंट फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इफ हिज टोटल इनकम कंसिस्ट ऑफ ओनली इंटरेस्ट इनकम एंड टैक्स हैज बिन डिडक्टेड अब ये एक बेनिफिट है जो प्रोवाइड किया गया है अगर नॉन रेसिडेंट को इंडिया से सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आ रहा है दैट इज फ्रॉम बॉन्डर जीडीआर और इस पर ऑलरेडी टी कट चुका है तो फिर उनको इंडिया में रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है ये एक बेनिफिट है जो प्रोवाइड किया गया है ये एक बेनिफिट है जो प्रोवाइड किया गया है यस yes? अच्छा जी वे आर द एस एससीयर्ड जीडीआर और बॉन्ड इन अमल गमेड और रिजल्टिंग कंपनी बाई वर्च्यू ऑफ इट होल्डिंग ऑफ जी डी आर और बॉन्ड इन अमल गमेटेड और डिमर्ज कंपनी एज में प्रोविजन ऑफ हंड्रेड एंड एसी प्रोविजन ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए सी शेल ऑल्सो अप्लाई टू सच जी डी आर एंड बॉन्ड क्या कहना चाहते हैं भाई साहब ये अमल गमेशन रिलेटेड प्रोविजन बनाना चाहते हैं राइट अगर एस एस सी ने ये जी डी आर या बॉन्ड अमल गमेटेड और रिजल्टिंग कंपनी के यू नो होल्डिंग्स के थ्रू एक्वायर किया है तो भी इस सेक्शन का प्रोविजन एक्वायर किया जा सकता है मतलब जरूरी नहीं है वो फर्स्ट होल्डर होने चाहिए अगर अमल गमेशन में भी उनको मिलता है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल है टू गिव फर्दर इंसेंटिव सेक्शन फोर्टी हैज बीन अमेंडेड नाउ इफ देयर जी डी

एक्जम्शन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ ब्रॉन्ड रिफर ट्वीन हंड्रेड एंड फिफ्टी ए सी मेड बाय रेसिडेंट टू अनादर नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हाउ एवर इफ जी डी आर इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्विटी शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड इन इंडिया देन एग्जाम्शन अंडर फोर्टी सेवन इज नॉट अवेलेबल अगर ये वो जी डी आर है अगर ये वो जी डी आर है जिसके अंडरलाइन शेयर लिस्टेड है कहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में तो तो आपको एक्जाम्पन अवेलेबल है लेकिन ये वो जीडीआर है जिनके शेयर्स लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे तो उस केस में फिर ये जो एग्जाम्शन है नहीं मिलेगा और उस केस में कैपिटल गेन लाइबल होगा मुझे इस कंसेप्ट को समझाने के लिए और थोड़ा सा पीछे जाना होगा जो इंडियन कंपनीज है पब्लिक कंपनीज इज़ लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ये तो जी डी आर इशू कर ही सकती है लेकिन कुछ सालों पहले सम समर्टन स्पेसिफिक कंडीशन प्राइवेट कंपनीज और द अदर कंपनीज कैन ऑल्सो इशू द जी डी आर टू नॉन रेसिडेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन विच आर टू बी अप्रूव बाई अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज नाउ अब प्रॉब्लम क्या था अगर इंडियन कंपनी लिस्टेड है लिस्टेड कंपनी ने जी डी आर इशू किया हुआ है वो जी डी आर एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को बेच दिया फॉर एक्साम्पल मान लीजिए अगर इन्फोसिस है इन्फोसिस क्या करता है जी इशू करता है इन्फोसिस जी डी इशू करता है अब यह जी क्या करता है मिस्टर एक्स हु इज अ नॉन रेसिडेंट मिस्टर वाई को क्या कर देता है सेल करता है हु इज अ नॉन रेसिडेंट अगेन हु इज अ नॉन रेसिडेंट अगेन अब इन्फोसिस के शेयर लिस्टेड है इन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया ऐसे केस में इसके द्वारा जो ट्रांसफर हो रहा है इस पे देर विल बी नो कैपिटल गेन टू मिस्टर एक्स एक्सम किया गया है कौन सा सेक्शन अप्लाई किया गया है जी जीडीआर के केस में हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली बॉन्ड के केस में कर ही नहीं रहे बॉन्ड के केस में एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर किया क्योंकि बॉन्ड के केस में अंडरलाइन शेयर होते ही नहीं है तो बॉन्ड एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को बेचा आउटसाइड इंडिया नॉट रिकार्डेड एज ट्रांसफर नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन एट द सेम टाइम मान लीजिए वी लिमिटेड है वी लिमिटेड क्या कर रहा है जीडीआर दे रहा है मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को

यस चलो जी चेक कर लीजिए वापस से वही पॉइंट लिखा हुआ है इफ जी डी आर आर रिप्रेजेंटेड बाई इक्विटी शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी विच आर नॉट लिस्टेड इन इंडिया देन एक्सम्शन अंडर फोर्टी सेवन शेल नॉट बी अवेलेबल यस प्रोविजन ऑफ चैप्टर सिक्स दैट इज सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस विल बी अवेलेबल अगर मान लीजिए नॉन रेसिडेंट को इंडिया में डिडेंट तो इनकम so, अच्छा जी सर अब एक सवाल है अब एक सवाल है जो इंटरेस्ट और डिविडेंट इनकम किसको मिल रही है इस बॉन्ड और जी डी आर के ऊपर मिल रही है ये कलेक्ट कैसे की जाएगी टैक्स रेट तो 115 एसी ने बता दिया टैक्स रेट तो 115 एसी ने बता दिया कि भैया 10 परसेंट इज टैक्स रेट अब कलेक्ट कैसे करेंगे आपको तो पता है हमेशा इसके साथ कोई टी का प्रोविजन अटैच होता है एंड दैट इज वन नाइनटी सी। सो नाइनटी हैज टू बी रीडेड एट हैज टू बी रीडेड विथ वन नाइन सिक्स ए सी अब ये टैक्स को कलेक्ट करने कलेक्ट करना कैसे कलेक्ट करेंगे कहां से कलेक्ट करेंगे 194C जो पेयर रहेगा दैट इज पेयर ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड दे टैक्स अब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं टैक्स रेट डिडक्शन कितना होगा जितना अमाउंट का टैक्स रेट होता है उतना ही अमाउंट का टीडीएस रख देते मैचिंग कर देते खत्म कर देते काम द टीडीएस रेट इज टेन परसेंट बिटवीन कोविड डेट्स क्या होगा सेम वेर एनी इनकम बाई वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड और जी डी आर रेफर टू इन हंड्रेड एंड एसी इसीलिए मैंने ये वाले टीडीएस के प्रोविजन कभी आपको टीडीएस में पढ़ाए ही नहीं क्योंकि आप उसको यहां पढ़ोगे तो आपको लॉजिकल सिक्वेंस लगेगा अपना फंडा बड़ा क्लियर है प्रोग्राम रद्द तो कर दो, रद दो। तो फंडा बड़ा क्लियर है उसको यहां पढ़ो तो ज्यादा मजा आएगा नहीं तो मजा नहीं आएगा सो वेयर द इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंट ऑफ बॉन्ड और जी डी आर रेफर टू इन हंड्रेड एंड फिफ्टी एसी और बाई वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच बॉन्ड जी डी आर इज पेबल टू अट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर टी डी एस विल बी डिरेक्टेड बिटवीन द कोविड डेट ऑल्सो टेन परसेंट राइट हालांकि टीडीएस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी अगर डिविडें हंड्रेड एंड फिफ्टी में होता था इस साल का अमेंडमेंट आपको बताया डिविडेंट टैक्स कर दिया गया है तो ये लाइन को कट कर दिया गया है। अब अगर आप डिविडेंट भी दे रहे हो जी डी आर के ऊपर तो भाई साहब आपको क्या आएगा टीडीएस कट करना पड़ेगा दैट इज द अमेंडमेंट दैट इज द अमेंडमेंट चलो जी चेक कर लो मानिक नेक्स्ट सेक्शन को हम पढ़ेंगे 115 एंड ए डी दैट इज अमेंडेड बाय द टैक्सेशन एंड अदर लॉज एक्ट 2020 अमेंड हुआ है स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड फंड्स स्पेसिफाइड फंड से रिलेटेड इसके अंदर में अमेंडमेंट आया है आई यू अवेयर क्या अमेंडमेंट है आई यू अवेयर क्या अमेंडमेंट है आई यू अवेयर क्या अमेंडमेंट है जल्दी से कमेंट करके बताओ एनीवन क्या बात करो मालिक अमेंडमेंट नहीं मालूम इसके अंदर का तो अमेंडमेंट बहुत रेलेवेंट है मेरे भाई इसके अंदर का तो अमेंडमेंट बहुत ज्यादा रेलेवेंट है मेरे भाई चलो आपको समझाते हैं सबसे पहले इनकम ऑफ एफ आई आई फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया से दो तरह की इनकम कमा सकता है एक इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दूसरा कैपिटल की इनकम सकता है ठीक है ये दो तरह की इनकम है इस बार इसमें सिर्फ एफ ही नहीं स्पेसिफाइड फंड भी जोड़ दिया गया है मतलब इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज़ रिसिव्ड बाई स्पेसिफाइड फंड और एफ आई आई को या स्पेसिफाइड फंड को अगर कोई यू नो इनकम रिसीव्ड होती है एफ के लिए ट्वेंटी परसेंट है और स्पेसिफाइड फंड के लिए यह टेन परसेंट है अमेंडमेंट क्या है जरा डीप में जाकर के समझेंगे अमेंडमेंट क्या है जरा डीप में जाकर समझेंगे जरा बात समझना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है चेक हियर कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या डिविडेंड रिसीव हो रहा है डिविडेंड इस साल से टैक्सेबल है किसको रिसीव हो रहा है एफ आई आई को रिसीव हो रहा है इसके ऊपर टैक्स रेट क्या होंगे टैक्स रेट होंगे 20 परसेंट यही इंटरेस्ट एंड डिविडेंट अगर स्पेसिफाइड फंड को मिला तो टैक्स रेट होगा 10 परसेंट टैक्स रेट एस एफ दैट इज स्पेसिफाइड फंड के लिए बदल दिया गया है अब आप यह पूछेंगे कि यह जो नया आया है स्पेसिफाइड फंड ये क्या है सब लोग लिख लो स्पेसिफाइड फंड क्या है सब लोग लिख लो अ फंड विच इज एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ वही चीज है भाई इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट और अ कंपनी और अ एल एल पी और अ बॉडी कॉरपोरेट विच हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन Under the category three of AIFs, AIFs Alternative Investment Fund, located in IFSC, of which all units are held by non resident. Other than the units held by sponsor or manager. स्पेसिफाइड फंड क्या है स्पेसिफाइड फंड ये अमेंडमेंट है मेरे भाई ऐसा फंड जो इंडिया में बना हुआ है ऐसा फंड जो इंडिया में बना हुआ है जिसको कैटेगरी दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फंड्स कैटेगरी दिया हुआ है जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसके सारे यूनिट्स नॉन रेसिडेंट होल्ड कर रहे हैं और ये यूनिट कहां सिचुएटेड यह स्पेसिफाइड फंड कहां सिचुएटेड है सी में सिचुएटेड है तो अगर कोई यूनिट स्पेसिफाइड फंड आई में सिचुएटेड है और यह क्या कमा रहा है कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम कमा रहा है तो ऐसे यूनिट्स को मात्र दस परसेंट टैक्स देना है जितना इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम ये कमा रहे हैं जितना डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम ये कमा रहे हैं यस अच्छा जी साथ साथ में अब आते हैं कैपिटल गेन पे इधर आओ पहले सो इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम यानी कौन सी बात चल रही है भाई साहब यहां पे यहां पे बात चल रही है इंटरेस्ट इनकम एज वेल एज डिविडेंट इनकम की ठीक है सो so, इंटरेस्ट और डिविडेंट इनकम जो स्पेसिफाइड फंड ने रिसीव किया उस पर टैक्स रेट होगा टेन परसेंट और जो एफ आई आई ने रिसीव किया उस पर होगा ट्वेंटी परसेंट मतलब हम जो फंड यू नो आई एफ एस सी में आकर के सेटअप हो रहे हैं हम उनको टैक्स बेनिफिट ज्यादा दे रहे हैं एज कंपेयर टू एफ आई आई यही अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा इस पर थर्टी परसेंट का टैक्स रेट लगेगा अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर हंड्रेड एंड इलेवन ए रहा फिफ्टीन परसेंट लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर रहा तो ऐसे केस में टेन परसेंट और हंड्रेड एंड इलेवन ए का रहा तो बियॉन्ड वन लैख टेन परसेंट यानी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म अगर रहा तो टेन परसेंट ही लगाया गया कम रेट लगाया है बाकी जो भी अदर इनकम होगी कुछ इफ एनी अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड लेट से कोई अदर एक्टिविटी करके इनकम बिजनेस करके कोई इनकम दैट विल बी चार्जेबल एट नॉर्मल रेट विच इज एप्लीकेबल टू फॉरन कंपनी दैट इज परसेंट दैट इज फोर्टी परसेंट यस केस ऑफ स्पेसिफाइड फंड दिस सेक्शन शैल अप्लाई ओनली टू द एक्सटेंड दैट इनकम दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू यूनिट्स हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट नॉट बींग पीई ऑफ अ नॉन रेसिडेंट कैलकुलेटेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए हम एक मैनर स्पेसिफाई करेंगे हम एक मैनर स्पेसिफाई करेंगे और उतनी ही इनकम टैक्सेबल होगी विच इज़ एट्रीब्यूटेबल टू बी यूनिट्स हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट हम उतनी ही इनकम टैक्स करेंगे जितनी यूनिट्स किसने हेल्ड करके रखे नॉन रेसिडेंट अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा हम इसके लिए कोई मैनर प्रिस्क्राइब करेंगे अभी तक आया नहीं हम इसके लिए कोई मैनर प्रिस्क्राइब करेंगे बोल के रख दिया ठीक है सर स्पेशल रेट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ द अबाउ लोअर रेट ये हमें भी पता है इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला मतलब अगेन इनकम ग्रॉस बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगा ना पीजीबीपी ना अदर सोर्स कोई आपका टैक्स रेट इतना लो करके दे रहे जहां फॉरन कंपनीज पे चालीस लेना चाहिए हम दस दे रहे उल्टा रेसिडेंट्स का टैक्स रेट ज्यादा है हालांकि फॉरन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए करना पड़ता है फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो शेल नॉट अप्लाई क्या बोल रहे हैं भाई साहब जल्दी से सुनिएगा फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो शैल नॉट अप्लाई मतलब क्या भैया बात समझिए एक पहली चीज ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनको फर्स्ट प्रोविजो हम नहीं देंगे जो कैपिटल गेन का स्पेशल प्रोविजन है ना ही हम इसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे क्योंकि हमने टैक्स रेट ही टेन परसेंट रख दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए टेन परसेंट का अगर हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रखा है तो ऑब्वियसली बात है हम इंडेक्सेशन नहीं देंगे अदरवाइज उसका टैक्स ही जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट वे द ग्रॉस टोटल इनकम एज अदर इनकम तो अदर इनकम में से चैप्टर सिक्स के डिडक्शन आपको जरूर मिलेंगे फआईआई मीन्स सच इन्वेस्टर एज सेंट्र गवर्मेंट में स्पेसिफाई इन ऑफिशल गैजेट सिक्योरिटी इन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेन एक्ट द प्रोविजन ऑफ चप्टर सिक्स सेफ एंड कैरी फॉरवर्ड इज एप्लीकेबल आप इन इनकम से अगर आपके लॉसेस होंगे तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं बैलेंस इनकम को आप स्पेशल रेट पर टैक्स कर सकते हैं अनएब्सॉर्व एप्रिस ऑफ करेंट इयर एज वेल एज ब्रॉट ऑफ एप्रीसिए नॉट भी सेट ऑफ अगेंस द इनकम अंडर हंड्रेड एंड फिफ्टी डी सिंस दिस कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ इज गवन बाई सेक्शन थर्टी टू तो ऑल डिडक्शन एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी एट टू फोर्टी फोर अलाउड नहीं है तो अनएब्सॉर्व अप्रीसिएशन भी आप माइनस नहीं कर पाएंगे अनएब्सॉर्व डेप्रिसिएशन भी आप माइनस नहीं कर पाएंगे चेक कर लीजिए मालिक अच्छा जी अब कलेक्ट कैसे होगा टैक्स ये तो टैक्स रेट हुआ ना हंड्रेड एंड फिफ्टीन के सारे सेक्शन एवरीबडी हंड्रेड एंड फिफ्टीन के सारे सेक्शन तेरे को एक सौ पंद्रह ए डी हंड्रेड एंड फिफ्टीन के सारे सेक्शन तेरे को यही बात बताएंगे कि भैया टैक्स रेट क्या है इसमें वन नाइन्टी सिक्स डी पढ़ना पड़ेगा क्या पढ़ोगे बेटा वन नाइन्टी सिक्स डी पढ़ोगे इधर आओ ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे भी अमेंडमेंट हुआ होगा क्या अमेंडमेंट हुआ होगा एफ को पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस रेट टेन यही स्पेसिफाइड फंड को कर रहे हो तो टीडीएस रेट विल भी टेन तो यहां का अमेंडमेंट यहां रिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर देखना दो अमेंडमेंट हुए हैं यहां पे पहला अमेंडमेंट बाय एनी मोड वर्ड को यूज कर दिया अब आप यह पेमेंट किसी भी मोड में करें कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट वेयर द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज रिफर्ड टू इन एंड एडी अगर आपको इनकम दे रहे हैं फॉर सिक्योरिटी हंड्रेड एंड फिफ्टी एडी नॉट बींग एन इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अंडर हंड्रेड एंड वन नाइनटी फोर एल डी एल डी वाले इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे अदर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं इज पेएबल टू एफ आई आई द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट सेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और सेल एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय एनी मोड अब पेमेंट किस मोड से हुआ उससे कोई लेन देन नहीं विच एवर इज अर्लियर डिडक्ट डिडक्टीडीएस एट द रेट ऑफ टेन परसेंट येस यही पेमेंट अगर स्पेसिफाइड फंड को किया IFSC में जो सिचुएटेड है स्पेसिफाइड फंड को किया शेल एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर टेन परसेंट प्रोवाइडेड नो डिडक्शन शेल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनकम एग्जाम अंडर सेक्शन टेन फोर डी इनकम एग्जाम अंडर सेक्शन टेन फोर डी कोई डिडक्शन आपको इसमें से मिलने वाला नहीं है चेक कर लो भाई चलिए हंड्रेड चलिए 115 ए सी ए के ऊपर चलते हैं यह अमेंडमेंट समझ में आया मालिक 115 एंड ए बी भी खत्म कर दिया एडीबी खत्म कर दिया अब चलते हैं 115 एंड ए सी ए के ऊपर किसके ऊपर चलेंगे 115 एंड ए सी ए जरा रीड कीजिए क्या लिखा है ज़रा रीड कीजिए क्या लिखा है बड़ी क्या लिखा है आप ही बताएंगे सर चलता है इतना ज्यादा आंसर इज नो इतना ज्यादा नहीं चलता बट हां दिया जरूर है एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंसी नहीं है इसके पूछने की एनी वन एनी वन कोई तो बता दो मालिक क्या दिया है नो no? किसी को नहीं पता चलो जी आ जाओ स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है आइडिया है स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री उनके व्यक्ति को अगर कोई इनकम अराइज हो रही है बाय वे ऑफ डिविडेंट या कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स प्रोवाइड किए गए हैं तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स प्रोवाइड किए गए चेक कीजिएगा वे आर द टोटल इनकम ऑफ एन एसेसी बीइंग एन इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट 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 एंड एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन कंपनी एंगेज इन स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विसेज के पी ओ और एन एम्प्लॉय ऑफ अ सब्सिडरी एंगेज इन स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री या नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की सब्सिडरी का कोई एम्प्लॉय या तो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री का कोई एम्प्लॉय जो रेसिडेंट हो इंडिया में या फिर उसके सब्सिडरी का कोई एम्प्लॉय जो नॉन रेसिडेंट हो हैज रिसिव्ड एन इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंट ऑन जी डी आर ऑफ द इंडियन कंपनी एंगेज इन स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद ई सॉप्स अगर इन्हें कोई ई सॉप्स दिया जा रहा है इसके ऊपर इनको कोई डिविडेंट इनकम आती है और इनकम बाई वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ जी डी आर या इनको ट्रांसफर करके यानी जी डी आर का ट्रांसफर करके कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है द अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन इनकम बाई वे ऑफ डिविडेंट एट द रेट ऑफ टेन परसेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ टेन परसेंट अदर इनकम एट नॉर्मल रेट अदर इनकम विल भी एप्लीकेबल एट द नॉर्मल रेट तो बात बड़ी सिंपल सी है बात क्या है अगर कोई रेसिडेंट है अगर कोई रेसिडेंट है जो एम्प्लॉय है स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री का इसको अगर जीडीआर मिल रहा है इसके ऊपर जीडीआर के ऊपर कोई डिविडेंड मिलता है या जीडीआर बेच के कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है इसको टैक्स रेट दिया गया है, मात्र टेन परसेंट चाहे वो डिविडेंड पे हो टेन परसेंट चाहे वो कैपिटल गेन पे हो यस वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ रेसिडेंट कंसिस्ट ओनली इनकम बाई वे ऑफ डिविडेंट राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ जी नो डिडक्शन शेल बी अलाउड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला इनकम बाई वे ऑफ रिफर टू इन क्लॉज ए क्लॉज बी ऑफ सबसे वन द ग्रॉस टोटल इनकम शेल बी रिड्यूज बाय द अमाउंट ऑफ सच इनकम एंड डिडक्शन अंडर दिस प्रोविजन शैल बी अलाउड एज इफ ग्रॉस टोटल इनकम सो रिड्यूस वे आर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एस एस सी इन शॉर्ट चैप्टर सिक्स ए के कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाले तो ना ही डिविडेंट इनकम से कोई डिडक्शन मिलने वाला है ना ही अदर इनकम से कोई डिडक्शन मिलने वाला है ना ही डिविडेंड इनकम से कोई डिडक्शन मिलने वाला है ना ही आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कोई डिडक्शन मिलने वाला है इज दैट डन बहुत बढ़िया लेट्स चेक थिंग कंटेंट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो शेल अपलाई फॉर कंप्यूटेशन जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते रहेंगे ना तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि टैक्स रेट ही टेन परसेंट है एक बात याद रखना जनरल टैक्स रेट ट्वेंटी परसेंट है आपको टैक्स रेट कम करके दिया तो आपसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट छीन लिया प्लस फर्स्ट प्रोविजो आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं क्योंकि आप रेसिडेंट हो आप रेसिडेंट हो फर्स्ट प्रोविजो एप्लीकेबल ही नॉन रेसिडेंट पे है तो ना फर्स्ट प्रोविजो ना सेकंड प्रोविजो एप्लीकेबल है तो ना फर्स्ट प्रोविजो ना सेकंड प्रोविजो गेम ओवर ये अच्छा जी साहब नीचे आओ कुछ ही चीज बाकी है 115 ए बी के ऊपर आते हैं एनी बड़ी सर वट इज हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए बी इज हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए बी कुछ भी आइडिया अरे बहुत ईजी है मालिक बहुत ईजी है हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए बी याद करो क्या है बहुत ईजी है ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ओ एफ ओ ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से इनकम कमाते हैं फॉरेन करेंसी में यूनिट्स परचेस करते हैं यूनिट्स परचेस करते हैं मेजरली इनका इन्वेस्टमेंट्स जो होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में होता है बाकी जो एफ होते हैं वो जनरली शेयर्स के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं ओ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ये एक बेसिक फर्क है और बहुत कम लोग इस थिन लाइन को समझ पाते हैं इनफैक्ट जो शेयर मार्केट में वो इस बात को समझेगा मैं हूं मैं समझूंगा इस बात को लेकिन कई बार आपको ऐसा होगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार वो भी तो यही था हंड्रेड एंड तो यही बात कर रहा था फिर ये क्या अलग बात कर रहा है दो अलग अलग बात कर रहा है यहाँ पे एफ की बात नहीं कर रहे एफ जो होते हैं ये आपके सिक्योरिटी के अंदर में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आपके बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और ओ खास म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अब ओ को अगर कोई इनकम अराइज होगी म्यूचुअल फंड से अगर कोई इनकम अराइज हुई होगी राइट right? तो ये इनकम पे भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दिया गया है ताकि वो एनकरेज हो और इंडिया के म्यूचुअल फंड्स के अंदर में क्या करे इन्वेस्टमेंट्स करे यस और नो सो चेक कीजिएगा इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर इनसे कोई इनकम अराइज हो रही है मे बी बाय वे ऑफ यू नो एनी इनकम लेट्स से अर्निंग विच इज इन टैक्सेबल अदर सोर्सेस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टू ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंडी आई एक्वायर्ड इन फॉरन करेंसी द टैक्स रेट शेल बी टेन परसेंट द टैक्स रेट शेल भी टेन परसेंट दस परसेंट का टैक्स रेट बिल्कुल आपको मिल जाएगा इंजॉय कर लेना यस, ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन बॉडी वेदर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया एंड विच हैजट इन टू इंडिया फॉर अरेजमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विथ एनी पब्लिक सेक्टर बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड मेजरली तीन जगह इन्वेस्टमेंट होते हैं सच अरेजमेंट शुड बी अप्रूव बाई से और सभी कर सकते हैं जब सेबी इसको अप्रूव कर देस नाउ yes. क्या ये इनकम कंसिडर करते हुए कोई डिडक्शन मिलेगा आंसर इज नो नो डिडक्शन अलाउड अंडर चैप्टर ए इन रिलेशन टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 10 परसेंट का टैक्स दे रहे आपको खर्चे भी माइनस करने दे नो डिडक्शन अलाउड ये बात तो अब शायद बोलने की भी नहीं है दैट फर्स्ट और सेकंड नॉट एप्लीकेबल आप ही सोच करके बता दीजिए आप ही सोच करके बता दीजिए सेकेंड प्रोविजो क्यों नहीं मिल रहा क्योंकि आप यूनिट्स परचेज कर रहे हो फर्स्ट प्रोविजो क्यों नहीं मिल रहा फर्स्ट प्रोविजो आपको दिया ही नहीं जा रहा क्योंकि आपको टैक्स रेट कम करके दे रहे तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो शल नॉट अप्लाई फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेफर टू इन अबाव जहां ग्रॉस टोटल इनकम में अदर इनकम होगी अदर इनकम में से चैप्टर सिक्स ए के डिडक्शन मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इस इन्वेस्टमेंट इनकम से मिलने वाले नहीं है यूनिट मींस यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई द प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आर एप्लीकेबल अगर ओ को, ओ कोई लॉस है वो इन इनकम से क्या कर सकता है सेट ऑफ कर सकता है तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आर पॉसिबल कोई प्रॉब्लम नहीं है The current year, as well as brought forward losses, can be set off against the income referred to in 115 AB, subject to the provision of this chapter. It may be noted that long-term capital gain or units of equity oriented fund taxable at rate of 10% 10, 10 under 115. ट्वेल्व हंड्रेड इन एक्सेस ऑफ वन लाख प्रोवाइडेड एस टी एज बीन प्रेड अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए का है तो एक लाख के बियॉन्ड फिर आपको क्या करना पड़ेगा टेन परसेंट टैक्स एप्लीकेबल है इट मे बी नोटेड दट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन यूनिट्स ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड फंड आर टैक्सबल एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट अंडर हंड्रेड एंड इलेवन ए दिस सेक्शन कवर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएटेड फंड एज वेल एज म्यूचुअल फंड एज वेल चेक कर लो मालिक स yes. चलिए अब ये जो टेन परसेंट है ये रिकवर कैसे किया जाए एक ही रास्ता है टीडीएस तो आप बहुत सिंपल हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए बी के साथ वन नाइन्टी सिक्स बी रीड कर लो बहुत सिंपल वन नाइंटी सिक्स बी रीड कर लो वन नाइनटी सिक्स बी क्या है एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स रेफर ट्वीट हंड्रेड एंड फिफ्टी ए बी बाई वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पेबल टू एनी ऑफ श्योर डिडक्टेड एट द रेट ऑफ टेन परसेंट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इसी पैसे को रिकवर करने का मकानिज्म क्या है भाई साहब टी इज द मकानिज्म गेम ओवर यस मालिक दैट्स इट पहले हमें सारे ये वाले सेक्शंस खत्म कर देने उसके बाद जाएंगे मेजर सेक्शंस के ऊपर अभी हमारे कुछ मेजर सेक्शन बाकी है जो चालू होते हैं हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए से हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए जब आप हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए को रीड करते हो ना हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए को रीड करते हो तो वन नाइनटी फोर एल बी वन 194 फोर एल सी वन फोर एल डी वन फोर एल बी बी सब एक साथ पढ़ना पड़ता है सब एक साथ पढ़ना पड़ता है यस yes. चलो जी कपल ऑफ जगह पे अमेंडमेंट आया है इसके अंदर में 194 ए को दो तरफ से तोड़ा जाता है 194 ए को दो तरफ से तोड़ा जाता है एक होता है रॉयल्टी एंड एफटीएस इनकम और दूसरे फिर अदर इन्वेस्टमेंट इनकम आप हमेशा इसे तोड़ के पढ़ते हो क्योंकि कुछ प्रोविजंस अलग है राइट right? आप हमेशा इन्हें तोड़ के पढ़ते हो तो 115 तो एक ही सेक्शन है लेकिन आप इसे हमेशा तोड़ के पढ़ते हो रॉयल्टी एफटीएस को अलग किया जाता है और बचे हुए इंटरेस्ट डिविडेंड एंड कैपिटल गेन इनकम्स को अलग किया जाता है राइट right? अच्छा जी अच्छा जी चेक कीजिएगा हंड्रेड ए टैक्स ऑन रॉयल्टी टेक्निकल सर्विसेज फीस इन केस ऑफ़ नॉन रेसिडेंट एंड फॉरन कंपनी इन केस ऑफ नॉन रेसीडेंट एंड फॉरन कंपनी प्लीज़ रीड इट पहले इसको रीड करो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं लेकर आ गया अच्छा जी यहां अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन समझना जरूरी है फोर्टी फोर डी ए मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर में फोर्टी फोर डी ए बताऊंगा अब आ चुके हैं इफ अ नॉन रेसिडेंट इज अर्निंग इफ अ नॉन रेसिडेंट इज अर्निंग रॉयल्टी और एफटीएस

सेक्शन 44 फोर डी एल अप्लाई पीई इंडिया के अंदर में नहीं है 115 एंड फिफ्टीन ए सिंपल है तो जब भी आप द्वारा, और ये सेक्शन बीच में आ जाता है दोनों बिल्कुल आसपास में लगे हुए चिपके हुए ठीक है अब ध्यान से सुनना रॉयल्टी और एफटीएस जो आप कमा रहे हैं इसके ऊपर टैक्स रेट क्या है गवर्नमेंट ने सिंस इंडिया को आज टेक्नोलॉजी की जरूरत है इंडिया को आज पेटेंट्स की जरूरत है इसीलिए रॉयल्टी और टेक्निकल फीस जो नॉन रेसिडेंट रन कर रहा है इंडिया से अगर ये स्पेसिफाइड होगा अग्रीमेंट में अब एग्जामेशन के साथ जोड़ के बता रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट इस अग्रीमेंट को अप्रूव कर देता है नोटिफाई कर देता है तो यह एग्जाम हो जाएगा जो नहीं नोटिफाई करता है तो टैक्स रेट बहुत नॉमिनल रखा गया है दैट इज टेन टैक्स रेट बड़ा नॉमिनल रखा गया है दैट इज टेन वे आर द टोटल इनकम ऑफ अ फॉरन कंपनी नॉन रेसिडेंट इंक्लूड्स इनकम बाई वे ऑफ रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अदर विच इज कवर्ड अंडर फोर्टी फोर डी ए उन चीजों को छोड़कर जो फोर्टी फोर डी ए में कवर्ड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट इन परसुएंस टू एन अग्रीमेंट मेड बाय नॉन रेसिडेंट विथ गवर्नमेंट टेन परसेंट टेन परसेंट रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंसर्न इन परसुएंस टू एन अग्रीमेंट मेड बाय नॉन रेसिडेंट फॉरन कंपनी

इंटरेस्ट के अंदर में होगा तो जो नहीं भी किया तो गवर्नमेंट इन्हें अप्रूव कर देती है और ये कितने के अंदर में आ जाते हैं टेन परसेंट के अंदर में आ जाते हैं अब मान लीजिए अगर क्या हो रहा है बेटा रिलायंस या सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड करते हैं सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्पुतनिक से क्या करता है यू नो पेटेंट्स लेता है और इसके बदले में रॉयल्टी प्रोवाइड करता है अब ये जो अग्रीमेंट बनेगा ना ये अग्रीमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट क्या करेगा नोटिफाई करेगा उनकी इनकम को एग्जम्ट कर देगा इनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है ही नहीं बोल देगा या तो कुछ केसेस में ये इनकम कवर करेंगे जहां वो रॉ मटेरियल दे रहे हैं सिर्फ वो फॉर्मूला पेटेंट नहीं दे रहे रॉ मटेरियल दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट में कुछ टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हैं कि बनाओ आप हम टेक्निकल असिस्टेंस देंगे तो अब जो एफ प्रोवाइड होगा इसके ऊपर मात्र टेन का टैक्स लिया जाएगा डी हालांकि डब्लू लेट्स से इंडिया यूएसए का डी टी डब्ल्यू बोलता है पांच परसेंट ही लेना है तो फिर द टैक्स रेट विल बी फाइव परसेंट दैट इज मोर बेनिफिशियल टू एस एसी फोर्टी फोर डी ए कब एप्लीकेबल होता है रॉयल्टी एफ टी एस रिसीव बाई नॉन रेसिडेंट फॉरन कंपनी शेल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट शेल बी टैक्सेबल एट रेट यानी यहां क्या डिफरेंस हो गया यह टेन परसेंट पे आ गया यह नॉर्मल रेट पे आ गया यह पहला डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में ठीक है दे विल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड दे हैव पीई इन इंडिया दैट इज परमानेंट स्टेब्लिशमेंट इन इंडिया कोई ऑफिस कोई ब्रांच ऑफिस कोई वेयर हाउसिंग कुछ यहां पर सिचुएटेड है सच रॉयल्टी एफ शुड बी कनेक्टेड विथ सच पीई और ये रॉयल्टी और एफ उस पीई के कारण आ रहा है तो हम टैक्स करेंगे एट ए नॉर्मल रेट एवरी नॉन रेसिडेंट और फॉरन कंपनी शेल कीप एंड मेंटेन अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज प्रोवाइडेड इन फोर्टी फोर डबल एंड गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड एंड सच रिपोर्ट शेल बी फर्निश्ड एटलीस्ट वन मंथ बिफोर फाइलिंग आर इन लोगों को जो 44 एडी के अंदर में आ रहा है उन्हें अकाउंट्स और ऑडिट करवाना मैंडेटरी है और अब यह रिपोर्ट पहले यह रिटर्न के साथ जाती थी अब एटलीस्ट वन मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जाएगी अब एटलीस्ट वन मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जाएगी ज डन शानदार तो ये क्या हो गया बेटा दो सेक्शन हो गए 115 ए और फोर्टी फोर डी ए अच्छा जस्ट अ मिनट अब आते हैं अदर इनकम हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए हंड्रेड एंड फिफ्टीन ए नॉन रेसिडेंट्स को कुछ अदर इनकम मिलती है तो इनका क्या किया जाता है टैक्स रेट क्या लगते हैं एक जनरल टैक्स रेट 115 ए के अंदर में दिए हुए हैं जनरल टैक्स रेट 115 ए के अंदर में क्या किए हुए है बेटा प्रोवाइड किए हुए हैं सो डिविडेंट अदर देन द डिविडेंट रेफर टू इन 115 ओ oh, यहां नीचे पूरा एनालिसिस दिया हुआ है 20 परसेंट सो जनरल डिविडेंट ट्वेंटी इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न ऑन मनी बोरोड बाय द गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न इन फॉरन करेंसी अदर देन कवर्ड इन टू ए और टू डबल ए जब भी कोई हम लोन बोरो करते हैं चाहे गवर्नमेंट ने बोरो किया चाहे इंडियन कंसर्न ने बोरोन किया फॉरन करेंसी में फॉरन करेंसी में बोरो करने का फायदा क्या होता है सस्ते में मिलता है यस yes, इंडिया के मुकाबले सस्ते में मिलता है राइट right? ऐसे केस में टैक्स rate विल be ट्वेंटी परसेंट यही अगर इंटरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड पे कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफ्ट फंड पे कर रहा है ऑन मनी बोरोड बाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेफ्ट फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड बनाया गया है इंडिया के अंदर में ये अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है नॉन रेसिड फॉरिन कंपनी को तो फिर 5 परसेंट इज द टैक्स रेट फिर फाइव परसेंट इज द टैक्स रेट एक मिनट रुकीयेगा साहब इसी के साथ साथ तुरंत एक चीज पढ़ लेते हैं वन नाइनटी फोर यहां तुरंत आपने 194 नाइंटी इसका टीडीएस होता है प्रॉपर इसका टीडीएस होता है 194 नाइनटी वेयर एनी इंटरेस्ट इज पेएबल टू अ नॉन रेसिडेंट बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेफ्ट फंड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट इन कैश चेक ड्राफ्ट ईसीएस टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट मैच हो गया साहब कैसे कलेक्ट होगा मैच हो गया साहब कैसे कलेक्ट होगा चेक कर लो ने जी सो so, इनकम जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है नॉन रेसिडेंट को इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेप फंड से इस पर टीडीएस का रेट पांच परसेंट सामने वालों के लिए भी टैक्स रेट पांच परसेंट गेम ओवर इंटरेस्ट रिफर टू इन वन नाइनटी फोर एलसी अमेंडमेंट 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 इनकम रिफर टू इन वन नाइनटी फोर फ्रॉम एन इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट अगर इंटरेस्ट दे रही है in respect of money is borrowed by it at any time from 1st july 2012 before 31st july 2020 before 1st july 2023 in foreign currency from a source outside india under a loan agreement or issue of infra long term infrastructure bond or long term bonds at any time after 2014 before 2023 as approved by central government in this behalf मान लीजिए अगर कोई भी इंडियन कंपनी या बिजनेस क्या पे कर रही है बेटा इंटरेस्ट पे कर रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड अंडर लोन अग्रीमेंट कोई लोन अग्रीमेंट हुआ है जुलाई 2012 से लेकर के कब तक के बेटा फर्स्ट जुलाई 2023 तक के लोन अग्रीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के तहत हुआ है कोई लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू किए उसके तहत पैसा उठाया है या लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू किए गए हैं लॉन्ग या तो मनी बोरोड देखिए कई बच्चे कंफ्यूज होंगे ये मनी बोरोड का है और ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू का डेट है दोनों अलग अलग चीजें हैं ठीक है लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू किया गया है 2014 से 2023 के बीच में और गवर्नमेंट के द्वारा यू नो अप्रूवल मिल चुका है तो इसपे पांच का ही टैक्स रेट लगेगा मतलब आप, आप समझ रहे हो ये जो इंटरेस्ट है ताकि इंडियन कंपनीज को पैसा बहुत आसानी से मिल जाए फॉरेन से इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर कोई इन्हें पैसा देता है इनके लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है या फिर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में पैसा देता है ये जो इंटरेस्ट दे रहे हैं सामने वाले के हाथ में इंटरेस्ट सिर्फ पांच से टैक्स करेंगे सिर्फ पांच से टैक्स करेंगे इसके लिए वन नाइनटी भी पढ़ना पड़ता है अच्छा इसमें एक अमेंडमेंट भी आया ध्यान से सुनना इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड By it from a source outside India by way of issue of rupee denominated bond before वन सेवन टू थाउजेंड थ्री अगर कोई रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से आपने पैसा एक्वायर किया इस पर इंटरेस्ट दे रहे हो पांच परसेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड बाय इट फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया बाई इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड लिस्टेड ऑन रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन आई एफ एस सी IFC का भी अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है आपको अगर नहीं पता तो सर प्लीज गूगल में जाइए गूगल में जाकर के देखिए एनएससी चेक करना एन एस सी आई एफ एस सी क्या करता है आई एफ एस सी क्या करता है बेटा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आप वहां पे क्या करवा सकते हो लिस्ट करवा सकते हो अब ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स मेरी बात ध्यान से सुनना ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स क्या करते हैं बेटा हम लोग इश्यू करते हैं और इस बॉन्ड के ऊपर पेमेंट होता है यह बॉन्ड कब इशू किया हो आफ्टर 2020 बिफोर 1 जुलाई 2023 हम इसके ऊपर चार परसेंट ही लेंगे यहां अमेंडमेंट सी बाकी सारे बॉन्ड पांच परसेंट जो मनी बोरोड किया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड पांच परसेंट सिर्फ जो आईएफएससी पे बॉन्ड लिस्टेड है आईएफएससी एफ एस सी रिक्नाइज एक्सचेंज पे बॉन्ड लिस्टेड है बॉन्ड के तहत आप पैसे में इन्वेस्ट करते हो मनी बोरो करते हो इस बॉन्ड के थ्रू आपके लिए इंटरेस्ट जो मिल रहा है आपको इस बॉन्ड के ऊपर सिर्फ चार परसेंट का टैक्स रेट यहां पे भी अब दो बातें हो जाएंगी यहां पे भी अब दो बातें हो जाएंगी 194 एलसी में अगर नॉर्मल थिंग्स है फाइव परसेंट यही क्लॉज आई बी क्लॉज आई बी के अंदर के कवर वाला पार्ट है तो टीडीएस रेट विल बी फोर परसेंट टीडीएस रेट को भी सेम रखा गया है वन नाइनटी फोर एलसी के अंदर में टीडीएस रेट को भी क्या रखा गया है सेम रखा गया है वन नाइन्टी फोर एल सी के अंदर में यस yes. अच्छा जी सर द इंटरेस्ट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन वन इधर देखिए क्या कह रहे हैं द इंटरेस्ट रिफर्ड टू इन सब सेक्शन वन शेल बी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय स्पेसिफाइड कंपनी और बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड इन फॉरन करेंसी फ्रॉम अ लोन अग्रीमेंट कोई लोन अग्रीमेंट के तहत आफ्टर फर्स्ट जुलाई 2012 थाउजेंड ट्वेल्व बिफोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड बिफोर टू थाउजेंड फोर्टीन लॉन्ग टर्म बॉन्ड आफ्टर टू थाउजेंड फोर्टीन बिफोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मनी बोरोड इन रिस्पेक्ट ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड मनी बोरोड इन रिस्पेक्ट ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी थ्री इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड दोनों भी बातें कही गई है यस लोकेटेड इन आई एफ एस सी वही बातें यहां लिख दी अपन लोगों ने सिंपल में टू द एक्सटेंट विच सच इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैल्कुलेटेड अप्रूव बाई गवर्नमेंट फाइव परसेंट ओके सर नेक्स्ट एफ आई आई क्यू एफ आई इंटरेस्ट अगर पे हो रहा है एफ आई आई क्यू एफ आई इंडियन कंपनी से वेर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर टू थाउजेंड थर्टीन यहां पर पहले टू थाउजेंड ट्वेंटी लिखा था बिफोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाई एफ आई आई और क्यू एफ आई देन सच इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर टू थाउजेंड ट्वेंटी बिफोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन मुंसिपल डेप्ट सिक्योरिटी अब अगर एफ आई आई के ने इन्वेस्टमेंट्स किया है इंडियन कंपनी के अंदर में 2023 या फिर म्यूनसिपल डेप सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट किया है ये अमेंडमेंट है म्यूनसिपल डेप सिक्योरिटी के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट किया है तो भाई फाइव परसेंट यह आपको पूछा जाएगा मुझे ऐसा लगता है वन नाइनटी में भी अमेंडमेंट आना था इस चक्कर में आ गया एनी रिस्पॉन्स पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एफ और क्यू इंटरेस्ट टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट यही इंटरेस्ट पेबल है आफ्टर टू थाउजेंड थर्टीन बिफोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड और गवर्नमेंट करेंसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट मेड इन म्यूनिपल डेप सिक्योरिटी टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट इसके लिए टैक्स रेट तो अलग है ही नहीं टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट चलो तो जैसा कि मैंने कहा 115 ए को पढ़ते पढ़ते अगर आप तुरंत इंटरेस्ट वाले सेक्शन हो जाए पढ़ लोगे ना इस चैप्टर से मोहब्बत हो जाएगी देखिए एक बात तो कंफर्म है इस चैप्टर के अंदर में आप सेक्शन नंबर याद नहीं रख सकते दूसरा आपको यह मल्टीपल रीडिंग से ही आएगा आप जब यह पढ़ो हर चीज आप मल्टीपल रीडिंग से करोगे तो ही आपको आने वाली नहीं तो नहीं आने वाली और स्पेसिफिकली यह चीजें जो आपके लिए बहुत कॉमन नहीं है सी आर्टिकल चिप में पीजीबीपी कंप्यूटेशन आपके लिए बहुत कॉमन था आप उसको हैंडल कर सकते हो एनआर टैक्सेशन आते आते आदमी का सही खत्म हो जाता है बिलीव मी फाइनल में एनआर टैक्सेशन या पेपर सिक्स में आपका एनआर टैक्सेशन आते आते आपका पूरा माइंड खत्म हो चुका होता है क्योंकि आप इतना बड़ा एग्जॉस्टिव डिटी पढ़ के आते हो उसके बाद ऐसी चीजें पढ़ते हो जिसने आपने कभी आर्टिकल चिप के अंदर में देखी ही नहीं यस ऐसा होता है आपने आर्टिकल चिप के अंदर में कभी उसको देखा ही नहीं आप बिल्कुल परेशान अरे यार जीवन में क्या चल रहा है एक सेक्शन पढ़ोगे दो सेक्शन पढ़ोगे आधे तो वर्ड इतने घुमावदार होते हैं अच्छा दूसरी बात अगर इस सेक्शन को आजू बाजू में साथ में नहीं पढ़ा गया तो टीडीएस के अंदर में आप ये सेक्शन पढ़ो और हंड्रेड के अंदर में ये सेक्शन पढ़ो आपका टोटल डिसकनेक्ट है टोटल डिस्कनेक्ट आगे से पीछे तक सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इसको साथ साथ में पढ़े और इसी तरीके से पढ़े रहे हो साथ में पढ़े और इसी तरीके से पढ़े चलो इज दैट डन आ जाओ बेटा देखो ये यह म्यूंसिपल सिक्योरिटी वाला चीज आपको कंफर्म पूछेगा ये वाला चीज आपको कन्फर्म पूछेगा कौन सा टू डबल ए डबल ए वाला चीज आपको जरूर पूछेगा ये बाय डिफॉल्ट है आपको पूछेगा ही पूछेगा डन इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम बीइंग इंटरेस्ट रेफर टू इन सेक्शन वन नाइनटी फोर एल बी ए इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम एसपीबी अगर कोई स्पेशल पर्पज वहीकल से परचेस स्पेशल परपज वहीकल से कोई इंटरेस्ट आया है या डिविडेंट आया है आपको न नाइनटी फोर के तहत इसको क्या किया जाएगा टैक्स किया जाएगा एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट डिविडेंट विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ टेन परसेंट यस इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड परचेज इन फॉरेन करेंसी ऑफ अ म्यूचुअल फंड 20 परसेंट अगर आपको कोई इनकम आ रही है म्यूचुअल फंड से तो वो टैक्स है 20 परसेंट देख मोटे मोटे तौर पे अगर मैं तेरे को बात बताऊँ ठीक है डिविडेंट आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10 परसेंट ट्वेंटी परसेंट डिविडेंड आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20 परसेंट इंटरेस्ट आर टैक्सिब रेट ऑफ 20 परसेंट नाउ इंटरेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के ऊपर आए हैं लोन्स के ऊपर आए हैं ये पांच परसेंट पे आते हैं या म्यूनसिपल डेप सिक्योरिटी पे आए ये पांच परसेंट के ऊपर आए अदरवाइज इंटरेस्ट भी ट्वेंटी यस अच्छा जी सर जस्ट मे मिनिट दैट्स इट सोस

यस सर वेलकम आफ्टर द ब्रेक और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देखते हैं दी नेक्स्ट थिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एनआरआई एनआरआईज के लिए स्पेशल इनकम किस तरीके से कंप्यूट की जा सकती है उसका मैकेनिज्म कंप्यूटेशन किस तरीके से हो सकता है उसका मैकेनिज्म कुछ बेनिफिट्स जो एन को क्या किए गए प्रोवाइड किए गए हैं नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस शल बी अलाउड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स इन कंप्यूटिंग द इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम पहली चीज़ तो ये की गई है कि भैया कोई भी तरीके का डिडक्शन नहीं मिलने वाला अगर इनकी इनकम अगर इनकी इनकम का ऐसे आ रही है बेटा इन्वेस्टमेंट इनकम से आ रही है वे आर द जी टी आई ओनली इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन द टू सेकंडी एट शेल नॉट अप्लाई फॉर कंपिटिशन ऑफ कैपिटल गेन फर्स्ट प्रोविजोर शेल बी एप्लीकेबल एंड नो डिडक्शन डेल बी अलाउड इन चैप्टर सिक्स ए क्या कह रहे है वो ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड्स ओनली इन्वेस्टमेंट इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन एट अप्लाई नहीं करेगा मतलब नॉन रेसिडेंट्स जो फॉरन करेंसी के अंदर में, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको सेकंड प्रोविजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा मतलब इंडेक्स का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा हाँ लेकिन उनका जो कैपिटल गेन कंप्यूटिशन है वो फर्स्ट प्रोविजो के हिसाब से जरूर होगा सो फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी एट शेल बी एप्लीकेबल सेकंड प्रोविजो इज नॉट एप्लीकेबल सो क्या लिख सकते हैं आप यहां पर यहां पर आप लिख सकते हैं सेकेंड प्रोविजो देर इज नो इंडेक्सेशन सो एन आर आइज कैपिटल गेन कंप्यूट करते वक्त इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेंगे हालांकि फर्स्ट प्रोविजो इज एप्लीकेबल दैट इज कैलकुलेट बाय टीटीबीआर टीटीएसआर याद आ रहा है ना जो कैपिटल गेन कंप्यूटेशन होता है इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट वहां पे फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 अप्लाई करता है फर्स्ट प्रोविजो किस तरह से काम करता है सर जो आपका सेल कंसिडरेशन है वो एवरेज ऑफ टी टी बी आर टी टी एस आर एज ऑन दफ सेज ऑफ टी टीबीआर टी टी एस आर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर येस फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एवरेज ऑफ टी टीबीआर टी टी एस आर एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन देन फाइनल कैपिटल गेन इज कन्वर्ट किया जाता है टी टी बी आर रेट के ऊपर ये सोनो सो so, वो एप्लीकेबल है उस हिसाब से ही हम कंप्यूटेशन करेंगे मतलब कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड इन फॉरेन करेंसी एंड देयर आफ्टर इट विल बी कन्वर्टेड इन इंडियन करेंसी यूजिंग द रूल 115 ए नो डिडक्शन चल अलाउड अंडर चैप्टर सिक्स ए वैसे भी कैपिटल गेन में से कोई डिडक्शन नहीं मिलता यहां से भी कोई कैपिटल गेन का डिडक्शन नहीं मिलेगा तो so, जब हम एनआर की इनकम कंप्यूट करते रहेंगे तो उसके अंदर में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे कैपिटल गेन फर्स्ट प्रोविजो के हिसाब से निकालेंगे एंड नो डिडक्शन चल बी अलाउड अंडर चैप्टर सिक्स ए इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटल गेन एंड अदर इनकम अब मान लीजिए दो के अलावा अगर अदर इनकम भी है तो क्या होगा द सेकेंड प्रोविजन टू फोर्टी एट शैल नॉट अप्लाई इन दैट केस ऑल्सो अगर आपके पास अदर इनकम भी है तो इंडेक्स सेशन का बेनिफिट तो मिलने ही नहीं वाला फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन फोर्टी एट क्या हो जाएगा एप्लीकेबल हो जाएगा और जो अदर इनकम है अदर इनकम में से आपको डिडक्शन मिल सकते हैं चैप्टर डिडक्शन सिर्फ एल बी अलाउड विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग इनकम ग्रॉस टोटल इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बैलेंस इनकम चैप्टर सिक्स से अवेलेबल है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसके ऊपर में एक लोअर रेट अप्लाई किया गया है इनके ऊपर आपको चैप्टर सिक्स के डिडक्शन नहीं मिलेंगे अदर इनकम लाइक पी हो गया एचपी हो गया उसमें से आप चैप्टर सिक्स के जो डिडक्शन लेना है वो बिल्कुल लेते जाओ उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा जी सर सर इन्वेस्टमेंट इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कितना है एनआरआई की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इस पे टैक्स रेट 115 ई e के अंदर में लिखा हुआ है 115 ई e कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10 परसेंट का रेट रहेगा विदाउट इंडेक्सेशन अवेलेबल है यस इसीलिए टेन परसेंट जो इन्वेस्टमेंट इनकम है लाइक इंटरेस्ट एंड डिविडेंट इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट और जो अदर इनकम है आपकी वो नॉर्मल स्लैब रेट से अप्लाई होगा जो नॉर्मल रेट एप्लीकेबल है डिपेंडिंग अपॉन एससी कौन है उसके ऊपर जैसे अप्लाई होता है वो उसी तरीके से अप्लाई होता रहेगा वो उसी तरीके से अप्लाई होता रहेगा अच्छा सर वी ऑल नो वेन एवर कैपिटल गेन अराइज देर आर एग्जामेशन अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर सीरीज यस फिफ्टी फोर सीरीज बल टू नॉन रेसिडेंट आंसर इज यस सेक्शन हंड्रेड एंड एफ सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन एफ जो भी आपका कैपिटल गेन आया है जो भी आपका कैपिटल गेन आया है नेट कंसिडरेशन आप अगर इन्वेस्ट कर देते हो नेट कंसिडरेशन अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको प्रपोर्शनेट कैपिटल गेन का एग्जाम्पन मिलेगा दैट इज कैपिटल गेन इन टू कॉस्ट ऑफ द न्यू असेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन ये वही फॉर्मूला है जो 54F में होता है यूज होता है कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन वही फॉर्मूला है यहाँ पे भी अप्लाई किया गया है सो एग्जामिशन चल भी अवेलेबल ओनली इफ द नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज फॉर एक्वायरिंग फॉर असेट या सेविंग सर्टिफिकेट विदिन सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर जिस दिन से आपने को अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रांसफर किया है वहां से छह महीने के अंदर में आप अगर नया असट एक्वायर कर लेते हैं तो आपको एक्जाम्शन मिलेगा कैपिटल गेन एंड टू कॉस्ट ऑफ न्यू असेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन यहाँ नेट कंसिडरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे नेट कंसिडरेशन का मतलब बड़ा क्लियर है बेटा सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसिस ऑन ट्रांसफर नेट कंसिडरेशन का मीनिंग बड़ा क्लियर है सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जो असेट आपने एक्वायर किया उसे कुछ दिन होल्ड करना पड़ता है तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज असेट नॉन रेसिडेंट एक्वायर कर रहा है इसे कितने दिन होल्ड करके रखना होगा सर बड़ा सिंपल है सर ये जो नॉन रेसिडेंट फॉरेक्स एक्वायर कर रहा है इसे अगले तीन साल तक के होल्ड करना होगा तीन साल से पहले आपने कभी भी इसे सेल कर दिया तो जो एक्जन आपको अर्लियर मिला था वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा द न्यू शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन द पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन इफ ट्रांसफर्ड देन एक्सम्पटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्लियर शेल नाउ बी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर वेन द असेट इज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इन टू मनी यस साथ साथ में एनआरआईस को अपना रिटर्न ऑफ इनकम भरने की जरूरत नहीं अगर उनकी इनकम में सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम ही आता है और कैपिटल गेन ही आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इसके ऊपर अगर ऑलरेडी टीडीएस हो चुका होगा तो उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं ऐसा एक्जामेशन हंड्रेड जी ने दिया हुआ है सो आर ओ इज अवेलेबल इफ टोटल इनकम कंसिस्ट ओनली ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड टी डी टू बी डिडक्टेड अगर ये दो चीजें हुई है तो फिर उनको रिटर्न भी भरने की जरूरत नहीं अदरवाइज डिपेंडिंग ऑफ ऑन इफ इनकम एक्सीज बेसिक एक्जाम्शन लिमिट फिर एनआरआईस को भी क्या करना पड़ता है इंडिया में रिटर्न भरने की जरूरत है यस yes. 115 एच करके एक सेक्शन है ये सेक्शन बहुत बड़ा है यहां पे बहुत छोटे पार्ट में लिखा हुआ है राइट right? सेक्शन क्या कहता है सेक्शन बड़ी सिंपल सी बात कहता है सेक्शन कहता है कि मान लीजिए ये जो बेनिफिट है ना जो नॉन रेसिडेंट्स को अवेलेबल है भले ही वो रेसिडेंट भी बन जाता है तो वो एओ के पास जाकर के क्या कर सकता है अपना एक यू नो डिक्लेरेशन दे सकता है दैट आई स्टिल वांट टू बी कंटिन्यूड विद द प्रोविजंस ऑफ विच इज एप्लीकेबल टू एनआरआईज सो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को जो बेनिफिट एप्लीकेबल है वही मेरे पे चलते रहने दो ऐसा कोई एप्लीकेशन वो एओ को कर सकता है एंड इफ एओ इज सेटिसफाइड हि मे अलाउ दिस पर्टिकुलर बेनिफिट टू अ नॉन रेसिडेंट हु हैज बीन ट्रीटेड एज रेसिडेंट बिकॉज ऑफ द प्रोविजन एनआरआई हुम रेसिडेंट मे फाइल अ डिक्लेन इन राइटिंग रिक्वेस्टिंग दॉ कंटिन्यूइंग द बेफिट अंटिल द ट्रांसफर और कन्वर्जन इन टू मनी ऑफ सच एसाइड जब तक उसका पैसा पूरा ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक आप मुझे नॉन रेसिडेंट्स में ही ट्रीट कर लो ऐसा कोई प्रोविजन हो सकता है हंड्रेड एंड फिफ्टी आई द अबाउ प्रोविजन आर ऑप्शनल मीनस अस एस सी कैन पे नॉर्मल टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम ये जो हंड्रेड एंड फिफ्टीन एच का जो बेनिफिट है यह ऑप्शन है लेना चाहे ले सकते हो नहीं लेना चाहे छोड़ सकते हो ये yes? अच्छा जी सर सो दिस वॉज फॉर एन आर आई सर तो हमने पिछले जो सेक्शंस पढ़े और ये जो सेक्शंस पढ़े इनमें क्या डिफरेंस है सर हमने किस किस के लिए पढ़ा आप पहले समझे हमने किन किन कैटेगरीज के लिए पढ़ा आप पहले समझे हमने सबसे पहले किसके लिए पढ़ा एफ आई आईज़ के लिए पढ़ा एफ आई आईज़ जो होते हैं ये फॉरन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं राइट right? ये एन के कैटेगरी में नहीं आते ये एफ के कैटेगरी में आते क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनका लॉन्ग होता है तो यू नो सेबी के तहत ये एफ आई इन्वेस्टमेंट्स में आते अभी अभी जो हमने पढ़ा वो एन नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के केस में आते हैं फिर हमने ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा फिर हमने पढ़ा ऐसे इंडिविजुअल्स जो स्पोर्ट्समैन हैं मतलब है तो वो इंडिविजुअल्स ही पर वो स्पोर्ट्समैन है स्पोर्ट्स एसोसिएशन है हमने उनके बारे में पढ़ा राइट right? इसके बाद हम लोगों ने एक और कैटेगरी पढ़ी Uh, जो आपके स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री वाले हैं लेकिन ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है रेसिडेंट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है ये प्रोविज़न याद रखिएगा राइट right? चलो जी सर तो ऐसी अलग अलग कैटेगरी पड़ी है अगर आप इस नोट्स को देखोगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म कर दिया कुछ ही चीज़ें बाकी है हमारी हम उस चीज़ों पे डिटेल में जाएंगे चेक कीजिए सर इन्वेस्टमेंट फंड्स इनकम ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फंड्स वेयर एनी इनकम अदर देन विच आर कवर्ड अंडर टेन ट्वेंटी थ्री एफ बीबी इज पेबल टू अ यूनिट होल्डर किसी यूनिट होल्डर को पे किया जा रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फंड मान लीजिए अगर कोई इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स एक्वायर किए कोई इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स एक्वायर किए और इसके ऊपर उसे क्या दिया जा रहा है कोई इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है देन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट शेल एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर डिडक्ट द टैक्स देर ऑन एट द रेट ऑफ टेन परसेंट एट द रेट ऑफ टेन परसेंट वेन पे इज अ रेसिडेंट और रेट इन फोर्स वेन द इज नॉन रेसिडेंट और फॉरन कंपनी सो अगर इन्वेस्टमेंट कभी भी इन्वेस्टमेंट फंड कभी भी अपने यूनिट होल्डर को क्या कर रहा है कोई इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो ऐसे केसेस के अंदर में अगर वो रेसिडेंट है तो टेन परसेंट का टीडीएस आएगा अदर देन रेसिडेंट है तो जो भी रेट इन फोर्स होगा उसके बेसिस पे आपको टीडीएस आएगा नीचे आइए ये सारी चीजें कंप्लीटेड है 195 पे आई है सेक्शन 195। वैसे तो आप इसे टीडीएस में पढ़ना चाहिए पर आप टीडीएस की जगह यहां पे भी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी क्या होता है कंसेप्टन 195 मान लीजिए टीडीएस के वेरियस प्रोविजन लिखे हैं 194C, 194J, 194H, 194I जे वन नाइन फोर हर जगह लिखा है इफ पेमेंट इज मेड टू रेसिडेंट इफ पेमेंट इज मेड टू रेसिडेंट टीडीएस विल भी डिडक्टेड अंडर द रिस्पेक्टिव सेक्शन ऑफ वन नाइन सी एच आई जे वॉट्स एवर नाउ वन सेज़ फाइव सिमिलर पेमेंट इफ मेड टू रेसिडेंट Uh, sorry non-resident similar payment if made to non-resident then TDS has to be deducted under section 195 then TDS has to be deducted under section 195 so check mm -hmm. any person responsible for paying to non-resident not being a company or to a foreign company or to a foreign company any interest other than covered in 194 LB LC LD जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड के ऊपर हम लोग पे कर रहे हैं म्यूंसिपल डेप्ट फंड के ऊपर हम लोग पे कर रहे हैं मनी बोरोड के ऊपर पे कर रहे हैं रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के ऊपर पे कर रहे हैं उसको छोड़ के हमने कोई भी इंटरेस्ट पे किया और एनी अदर सम समेबल अंडर दिस एक्ट सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं एनी अदर सम समेबल अंडर दिस एक्ट बोल दिया उनने क्या बोला सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं एनी अदर सम समेबल अंडर दिस एक्ट शेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट इन कैश और स्पेसिफाइड मोड डिडक्ट द इनकम टैक्स देर ऑन एट द रेट इन फोर्स तो भैया रेट इन फोर्स जो भी होगा उसके तहत आपके ऊपर क्या किया जाएगा टी डी एस किया जाएगा जब हम ये बात करते हैं रेट इन फोर्स की वट डू मीन बाई रेट इन फोर्स एनी वन जब हम ये वर्ड यूज करते हैं रेट इन फोर्स तो वॉट डू यू मीन बाय इन फोर्स आपके हिसाब से वट डू मीन बाय रेट इन फोर्स आपके हिसाब से एनी वन वुड लव टू गिव द आंसर वट इज रेट इन फोर्स एनी वन चलिए रेट इन फोर्स का मतलब क्या है द रेट प्रोवाइडेड इन एक्ट और डी टी डब्ल एज द केस मे बी उसे हम कहते हैं रेट इन फोर्स Yes, provided that in case of interest payable by government or a public sector bank within the meaning of 1023D, within a meaning of 1023D. और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ दैट क्लॉज डिडक्शन शैल बी मेड ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ इन कैश और बाय इश्यू ऑफ चेक ड्राफ्ट और अदर थिंग अगर ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे कर रही है या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक कर रही है जो टेन ट्वेंटी डी के अंदर में कवर की गई है तो आप टी तभी होगा जब वो पेमेंट कर रहे होंगे तब Where the person responsible for paying any sum chargeable under this Act to a non resident consider that the whole of such sum would not be income chargeable to tax and recipient, he may make an application in such form and manner to AO, determining in such manner as may be prescribed the appropriate portion of such sum so chargeable and upon which determination. शेल डिडक्टेड ओनलीट प्रोपोर्शन विच इज सो चार्जेबल अगर कभी भी एओ को यू नो एस को ऐसा लगता है कि ये जो इनकम है सामने वाले के में, के में, ही नहीं है, तो बहुत सिंपल है आप जाए AO के पास एक करें कि सर मुझे नहीं लगता कि ये, ये है तो आप मुझे लोअर रेट बताए या किस रेट पर टैक्स डिडक्ट करूं ये बताए राइट सब्जेक्ट टू रूल मेंशन फाइव एनी पर्सन एन टाइटल टू रिसीव एनी इंटरेस्ट और अदर सम हैज टू बी डिडक्ट एंड मेक एन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द एरो फॉर ग्रांट ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग हिम टू रिसीव सच इंटरेस्ट और अदर सम विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स अब अगर आपको ऐसा लगता है दैट सामने वाला इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पज ऑफ दिस पेमेंट और नॉट लाइबल टू बी डिडक्टेड एट टैक्स तो सबसे पहले तो आपको उसका टैक्स डिडक्ट करके पे करना है और बाद में आपको एक एप्लीकेशन करनी है किसको एओ को दैट आई थिंक दैट दिस पर्टिकुलर पेमेंट इज नॉट लाइबल टू टैक्स फर्स्ट यू हैव टू डिडक्ट द टैक्स एंड देन मेक द पेमेंट एओ असेसमेंट के बाद अगर आपकी बात सच निकली दे रिफंड द अमाउंट द सर्टिफिकेट ग्रांटेड शल सर ऐसे केस में आपको सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकता है कि हां चलो ठीक है यू डोंट डिडक्ट द टैक्स और ऐसे केस में आपको क्या किया जा सकता है एक सर्टिफिकेट भी दिया जा सकता है कि डोंट डिडक्ट द टैक्स एट दिस रेट अगर आपको लगता है सामने वाला अ पर्सन डिनाइंग द लाइबिलिटी ऑफ टीडीएस आता है

दे देगा कि डिडक्ट एट लोअर रेट ये सर्टिफिकेट तब तक वैलिड होता है तब तक कि आप इसे रिवोक नहीं करते एडिशनल yes. पॉइंट है एंड द लास्ट पॉइंट द लास्ट पॉइंट पेज नंबर फाइव पे देखने को मिलेगा पेज नंबर फाइव पे देखने को मिलेगा रीड और मुझे बताओ ये क्या लिखा है वही चीज लिखी है जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे स्पेसिफाइड फंड को अगर कोई डिविडेंट और इंटरेस्ट आ रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड बाय इट इन इंडिया तो स्पेसिफाइड फंड की इनकम है टीडीएस जरूर होगा जब हम उनको ये इनकम देंगे टीडीएस जरूर होगा टीडीएस कौन से सेक्शन के अंदर में पढ़ा है? हम लोगों ने इसका स्पेसिफाइड फंड का इधर इधर हंड्रेड एडी में जब इनको पेमेंट करते रहेंगे इनका टैक्स रेट बताया हुआ है इनका टैक्स रेट बताया हुआ है और उन्होंने साथ में यहां पे क्या लिख के दिया है ये भी देखो इन केस ऑफ स्पेसिफाइड फंड दिस सेक्शन शेल अप्लाई ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम दैट इज अट्रीब्यूटेबल टू द यूनिट्स हेल्ड इन बाय नॉन रेसिडेंट अब यहां लेके आए क्या कह रहे हैं जरा देखिए एनी इनकम ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन इन द नेचर ऑफ डिविडेंट इंटरेस्ट Long term capital gain arising from an investment fund, arising from an investment made by it in India, whether in the form of debt or share capital, if investment is made after 2020, before 2024, held for at least three years, and is in business trust, company, or entity. ऑफ डेवलपिंग ऑपरेटिंग मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एस पर सेक्शन ए आई ए और कैटेगरी टू ए आई एफ अब इसमें और इसमें फर्क क्या है जरा मुझे बताइए यहां हम बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड फंड्स की यहां हम बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड फंड्स की।, की ऐसा ऐसा फंड जो आई एफ एस सी के अंदर में क्या है बेटा सिचुएटेड है यहां हम बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड पर्सन की यहां हम बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड पर्सन की जिसको डिविडेंट इंटरेस्ट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है इन्वेस्टमेंट करके राइट ये इन्वेस्टमेंट अगर इसने 2020 से 2024 में किया है इस इन्वेस्टमेंट को उसने एटलीस्ट थ्री ईयर होल्ड किया इन्वेस्टमेंट किया है किसी बिजनेस ट्रस्ट में किसी ऐसी कंपनी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में एंगेज है या कैटेगरी वन कैटेगरी टू एआईएफ के अंदर में उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो ऐसी इनकम जो आ रही है ये एग्जम्प्ट कर दी गई है अंडर सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री एफ ई डिफिकल्टी एग्जामल इन इंटरप्रिटेशन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट विल इश्यू द गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले ली 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 करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम क्या करेंगे गाइडलाइंस इशू कर देंगे एवरी गाइडलाइन शेल बी प्लेस बिफोर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड ऑल्सो वेयर इनकम हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड एंड Person due to the provision of this clause, and subsequently during any previous year, specified person failed to satisfy any condition, then इट वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर सच नॉन इंक्लूजन एंड सच इनकम शेल बी चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम ऑफ स्पेसिफाइड फंड क्या बोल दिया मान लीजिए आज इस स्पेसिफिक पर्सन को हमने कुछ कंडीशन के बेसिस पे एग्जामेशन दिया लेटर ऑन गवर्मेंट असेसमेंट करता है और पता चल जाता है कि भैया ये तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है गवर्नमेंट क्या करेगा फिर इससे वो एग्जाम्शन प्रोवाइड नहीं करेगा और जो एग्जाम्शन मिला है उसको चार्जेबल टू टैक्स कर देगा येस स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन कौन इन्वेस्टमेंट करेगा कौन इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस ट्रस्ट में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा यू नो इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा कैटेगरी वन कैटेगरी टू ए में आबुधाबी इन्वेस्टमेंट फंड आपको पता है मोदी जी दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं किसके साथ बेटा द आबुधाबी ग्रुप यस द फ्लीट्स ऑफ किंग ओवर और उन्होंने कहा कि आप इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट कीजिए वहां के क्राउन प्रिंस ने कहा कि हमें क्या आप मिलेगा यहां इन्वेस्टमेंट करके उनने कहा भारत को मिलेगा पैसा यहाँ के बिजनेस ट्रस्ट को पैसा मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को पैसा मिलेगा यू नो यहाँ के जो भी कैटेगरी वन कैटेगरी टू ए आई एफ है इनको पैसा मिलेगा ये बोले हमें क्या मिलेगा उनने कहा आपकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है इंटरेस्ट इनकम है और कैपिटल गेन है हम एग्जम्प्ट कर देते तो स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन कौन इन्वेस्टमेंट करेगा ये स्पेसिफाइड फंड्स नहीं है ये कौन है अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी विच इज़ अ रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड यूनाइटेड अरब एरेमेट्स एमिरेट्स एंड मेक इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आउट ऑफ द फंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिराट्स अगर यू ए ई इन्वेस्टमेंट्स करता है यू ए स्पेसिफाइड पर्सन है यू ए की जो हुईन सब्सिडरी है अबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी वो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है किन किन में बिजनेस ट्रस्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करती है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो ए आई के अंदर में स्पेसिफाइड है उसमें करती है या फिर आपके कैटेगरी वन कैटेगरी टू ए के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करती है इनको जो इनकम अराइज हो रही है डिविडेंड से इंटरेस्ट से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ये है अंडर सेक्शन टेन ट्वेंटी कंफर्म लगता है एग्जाम में आएगा मुझे कंफर्म लगता है एग्जाम में ये आएगा कंफर्म लगता है एग्जाम में आएगा मतलब मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूं मेरे को लग रहा है कि यह आएगा कि, कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड जो होते हैं उनको एग्जामेशन दिया गया है

आर सेटअप एंड रेगुलेटेड अंडर द लॉ ऑफ फॉरन कंट्री दे आर सेटअप एंड रेग्युलेटेड द लॉ ऑफ दैट कंट्री यस द अर्निंग ऑफ सेट फंड आर क्रेडिटेड ईदर टू द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट और इस फंड की जो इनकम है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं ये उस फॉरन गवर्नमेंट को अगर जाएगी सेट ऑफ द फंड आर वेस्टेड इन गवर्नमेंट इस फंड के अंदर के जितने असेट है नहीं तो देखो बेटा क्या होता तो पता है ऐसा नहीं रखते थे ना तो कई प्राइवेट प्लेयर अपना ब्लैक मनी क्या कर देते थे इधर रूट कर देते थे एंड वेल्थ फंड बनाते थे और वेल्थ फंड इंडिया में लेकर के आ जाता था मतलब भारत का ही काला धन लीगल तरीके से वापस आता था इसलिए उन्होंने कहा सॉवर वेल्थ फंड भी सिर्फ वो वाले जो गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल कर रही है जिसके असेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है जिसका पैसा गवर्नमेंट को जाएगा फॉरन गवर्नमेंट को एंड इट डज नॉट अंडरटेक एनी कमर्शियल एक्टिविटी वेदर इद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इन सॉवरेंट वेल्थ फंड का काम ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है इनका कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने का कोई काम नहीं है एंड दीज आर नोटिफाइड बाय गमेंट तो ये लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर किसी बिजनेस ट्रस्ट के अंदर में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर में या फिर कैटेगरी वन कैटेगरी टू ए आई एफ में तो इनकी इनकम एक्जाम रहेगी सॉवरेंट वेल्थ फंड की भी इनकम एक्जाम रहेगी तीसरा वाइस पेंशन फंड तीसरा कैटेगरी डाला पेंशन फंड्स के बाद बहुत सारे पैसे पड़े बहुत सारे पैसे पड़े पेंशन फंड्स के पास उन्होंने कहा पेंशन फंड इज क्रिएटेड अंडर द लॉ ऑफ़ फॉरेन कंट्री कोई फॉरन पेंशन फंड है वो इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया में इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन सच फॉरेन कंट्री ज नॉट लाइबल टू टैक्स इन सच फॉरन कंट्री सेटिसफाइडर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड स्पेसिफाइड बाई गवर्नमेंट तो ये लोगों को जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है डिविडेंड इनकम आ रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है किसी भी सॉवरेंट फंड को पेंशन फंड को या आबुधाबी इन्वेस्टमेंट फंड को यह इनकम एग्जाम है गेम ओवर गेम ओवर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट करके दे दिया एग्जामेशन में बस इतनी एग्जामेशन पढ़ के चल जाना ये नोट्स मैं आपके टेलीग्राम के ऊपर डाल चुका है प्लीज टेलीग्राम पे जाना जा करके ले लेना ठीक है कई लोगों के पास नहीं होगा तो टेन ट्वेंटी थ्री एफ है ठीक है ये हेडवाइज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है प्रिजमटिव इनकम में ये तीन पार्ट इंपॉर्टेंट है फोर्टी फोर बी फोर्टी फोर बी फोर्टी फोर सी ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं इसके बाद अगर आप देखोगे तो हंड्रेड ए और 44 डी ए ये रॉयल्टी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके बाद अगर आप देखोगे 115 ए में ये जो पार्ट मैंने अभी रिसेंटली कवर किए हैं जिनमें अमेंडमेंट्स कवर आपको दिख रहे हैं ये वाले पार्ट इंपॉर्टेंट है 194 नाइन्टी एल सी और एल डी इस अटैम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है यस हंड्रेड एंड ए सी मुझे लगता है कि इस अटैम्प्ट के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ रेलिवेंट हो सकता है हंड्रेड एंड फिफ्टीन एडी कन्फर्म इंपॉर्टेंट है बीबीए कन्फर्म इंपॉर्टेंट है दैट्स इट यहां हमारा एन आर टैक्सेशन खत्म होता है यहां हमारा एन आर टैक्सेशन क्या होता है बेटा खत्म होता है आज जितना टाइम मिला इसके अंदर में बहुत स्पेसिफिक टाइम मिला यस yes. जरा ध्यान दीजिएगा यहां हमारा एनआर टैक्सेशन खत्म होता है एवरीवन, यस सर मैं एक और टॉपिक ले रहा हूं जिसके अंदर में अमेंडमेंट आया है बट अगेन नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन से यू नो नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेवेंट है दोनों जगह रिलेवेंट होगा पेपर सिक्स में भी रिलेवेंट होगा और पेपर सेवन के अंदर में भी रिलेवेंट होगा इक्वलाइजेशन लेवी जिसके अंदर में आए हैं अमेंडमेंट्स जिसके अंदर में आए हैं मालिक अमेंडमेंट्स तो जरा ध्यान से सुनिएगा ध्यान से इक्वलाइजेशन लेवी क्या है भाई साहब कंसेप्ट एनी बड़ी लेवी का क्या है 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 सेक्शन सेक्शन बड़ा सिंपल कहता अगर किसी भी ने या नॉन रेसिडेंट जिसका पीई इंडिया में है इसने किसी भी नॉन रेसिडेंट को पे किया फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डिजिटल एडवर्टीजमेंट बियॉन्ड रुपीज वन लैक तो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना है कितने परसेंट के हिसाब से सिक्स के हिसाब से यस yes, जिसका इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट हुआ है

इक्वलाइजेशन लेवी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर भी क्या की गई है लाई गई है सारी चीजें विस्तार में देखेंगे ध्यान दीजिए अ टिपिकल टैक्सेशन इशू रिलेटिंग टू ई कॉमर्स ये एक ऐसा क्वेश्चन है है जो बहुत बार पूछा जाता व्हाट आर द बेसिक टैक्स इश्यूज जब भी कोई इंटरनेशनल टैक्स यू नो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को टैक्स किया जाता है पहला इट इज डिफिकल्ट टू कैरेक्टराइज द नेचर ऑफ पेमेंट देखिए आज जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं ये सारे ऑनलाइन होते हैं तो आप कैसे प्रूव करोगे कि ये उसके लिए इनकम है सामने वाला बोल देगा लोन है सामने वाला बोल देगा डिपॉजिट है सामने वाला बोल देगा कि भैया ये गिफ्ट है हो सकता है अगर सामने वाले कंट्री के अंदर में गिफ्ट एग्जाम है यहां तो देने वाले का एग्जाम ही है सामने वाले का लेने वाले का एग्जाम है सामने वाला बोल देगा भैया ये गिफ्ट है सो देर इज अ डिफिकल्टी विच अराइज इन अ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन टू प्रूव द नेचर ऑफ पेमेंट की नेचर ऑफ पेमेंट क्या है इज इट कैपिटल इज इट रेवेन्यू इस बारे में भी डिफिकल्टी अराइज होती है इज इट कैपिटल इज इट रेवेन्यू इस बारे में भी डिफिकल्टी अराइज होती है तो ये एक डिफिकल्ट है दूसरा लोकेटिंग द ट्रांजेक्शन सी हम इंडिया में तभी टैक्स कर सकते हैं वैन द यूनिट इज सिचुएटेड इन इंडिया और द पी इज सिचुएटेड इन इंडिया टैक्सेशन राइट ओ ई सी डी के हिसाब से ही हमारे अवराइज तब होते हैं वेन द लोकेशन इज इन इंडिया द नॉन रेसिडेंट इज वर्किंग इन इंडिया और द पी इज सिचुएटेड इन इंडिया अब ये, अब जब ऑनलाइन वेबसाइट है तो लोकेशन क्या की जा सकती है डिफर की जा सकती है कहां से कहां ट्रांजेक्शन हो रहा है ये डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना तो कौन सी कंट्री टैक्स कलेक्ट करेगी इसके ऊपर फिर क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं सो देर आर टू मेजर डिफिकल्टी इन अ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन राइट सो देर आर टू डिफिकल्टी रिलेटिंग टूच डिफिकल्टी इन कैरेक्टराइजिंग द नेचर ऑफ पेमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग अ नेक्सस लिंक बिटवीन अ टैक्सेबल ट्रांजेक्शन एक्टिविटी एन अ टैक्सेबल जूरिस्टिक्शन पहला नेचर ऑफ पेमेंट को लेकर तकलीफ अराइज होती है दूसरा डिफिकल्टी इन लोकेटिंग द ट्रांजेक्शन एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाइंग द टैक्स पेयर फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ये तो एक वेबसाइट है वेबसाइट के पीछे एक्चुअल पर्सन गे द टैक्स ये एक डिफिकल्टी अराइज होती है चैप्टर सिक्स ऑफ फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन अड्रेस द चैलेंजेस बाय इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वलाइजेशन लेविंग परमानेंट स्टेबलिशमेंट डिटरमाइंड इन ई कॉमर्स जैसे कि मैंने कहा कि ई e कॉमर्स में हम टैक्सेशन तभी लगा सकते हैं जब उनका पीई -E यहां अवेलेबल हो अब सवाल यह उठता है पीई डिटरमाइन -E कैसे करेंगे सिचुएशन वन एग्जिस्टेंस ऑफ वेबसाइट इन होस्ट कंट्री जस्ट बिकॉज किसी कंट्री के अंदर में वेबसाइट अवेलेबल है तो क्या उसका पीई -E इंडिया में हो गया आंसर में भी नो आंसर में भी नोट एग्जिस्टेंस ऑफ वेबसाइट इट सेल्फ वुड नॉट कंस्टिट्यूट एन पी जस्ट बिकॉज एक वेबसाइट किसी कंट्री के अंदर में अवेलेबल है इसका मतलब ये नहीं कि उसका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट अवेलेबल है अगर आप देखोगे इंटरनेशनल टैक्स की डेफिनेशन में परमानेंट स्टैब्लिश को बोला गया है अ फिक्सड प्लेस ऑफ बिजनेस अब जस्ट बिकॉज वेबसाइट है देर इज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस देर इज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस तो पीई -E तो सिर्फ वेबसाइट होने के कारण आ ही नहीं सकता तो कब आएगा पी पी -E. -E कब अराइज होगा ध्यान से सुनिएगा सर्वर अगर है तो सर्वर अगर है तो सर्वर इज अ सिस्टम विच कैरियड आउट द एक्टिविटी इनिशिएटेड बाय एंड यूजर कंप्यूटर इन केस द एंटरप्राइजेज दैट ऑपरेट सर्वर इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटरप्राइज दैट कैरीज ऑन द बिजनेस थ्रू द वेबसाइट द सर्वर लोकेशन नॉट बी कंसिडर टू बी द प्लेस ऑफ बिजनेस मान लीजिए सर्वर अब देखिए सर्वर से डेटा रूट होना यह अलग चीज है मान लीजिए सर्वर मेरा हो सकता है उस पर वेबसाइट कोई और रन कर सकता हो सकता है बिल्कुल पॉसिबल है तो ऐसे केसेस के अंदर में जस्ट बिकॉज मेरा सर्वर अवेलेबल है और बिजनेस कोई और कर रहा है शुड आई बी लाइबल टू टैक्स नो आई एम जस्ट गिविंग अ फैसिलिटी ऑफ बींग अर्वर बींग सर्वर मैं सिर्फ फैसिलिटी दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल गूगल सर्वर फैसिलिटी दे रहा है येस yes, उनका प्रेजेंस तो नहीं है ना बिजनेस कोई और कर रहा है ये तो सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं

अगर यह आपको साथ साथ में क्या प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है प्लस प्रॉफिटेबिलिटी भी बना करके जनरेट होती है तो यह क्या माना जाएगा पी माना जाएगा सर्वर फंक्शनिंग एज एजेंट इट इज पॉसिबल दैट सर्वर ऑन होस्ट कंट्री सोइल कुड बी कंस्ट्रक्टेड टू बी अ डिपेंडेंट एजेंट ऑफ अ फॉरन एंटरप्राइजेस कई बार ऐसा होता है सर्वर जो होता है यह किसी थर्ड पार्टी के ऊपर क्या होता है डिपेंडेंट होता है such situation will apply to smart servers smart servers are programmed to not only provide information but also take process order from person who make a hit in the website such a server has a power to contract on behalf of foreign enterprises and it is possible to argue that since such a server is dependent agent of foreign enterprises, it may be considered to be PE. maan मान agar koi कोई server india इंडिया में gaya गया छोटा सा le ले लेते Amazon ka का एक server india इंडिया के अंदर में gaya गया है अब ये work kar कर रहा है किसके भी आप पे अमेजॉन के भी आप पे वो ऑर्डर भी प्रोसेस कर रहा है इंडिया के अंदर में इंडिया में ही सर्वर है इंडिया में ही ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करके दे रहा है हम एमेज़ोन का पीई मान लेंगे इंडिया के अंदर में तो सीधे शब्द है अगर आपका सर्वर भी अवेलेबल है और यह सर्वर आपको प्रॉफिट भी बना करके दे रहा है आपके बिजनेस के लिए तो उसका पी इंडिया में है यह मान लेंगे ठीक है सर इक्वलाइजेशन लेवी दिस चैप्टर एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर अब भी हाँ हम इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है हम फाइनेंस एक्ट 2016 में सिक्सटी में याद रखिएगा एंड दिस अपलाईज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं करता ये बात को याद रखना होगा साहब यस yes? अच्छा जी लेवी कब अराइज होता है इक्वलाइजेशन लेवी कब अराइज होगा भाई साहब इक्वलाइजेशन लेवी कब अराइज होगा बड़ा सिंपल है सर अगर किसी भी रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को सर्विसेज प्रोवाइड की ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डिजिटल एडवर्टीजमेंट और अदर सर्विसेज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट एंड एग्रीगेट अमाउंट एक लाख रुपए के ऊपर चला गया तो आएगा सो so, नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइड सर्विसेज एज अ पीई इन इंडिया And specified services is effectively connected with such PE. The aggregate amount of consideration for specified services received or receivable by a non-resident. Right? Carrying on the business from okay. NR having a PE in India does not exceed 1 lakh. Or where the payment for specified services by a person resident in India or P in India is not for the purpose of carrying out business and profession. जरा इस बात को समझिए ये निगेटिव फ्रेमिंग है निगेटिव फ्रेमिंग है वेन इक्वलाइजेशन लेवी इज नॉट एप्लीकेबल कब कब एप्लीकेबल नहीं है अब पढ़ लो इस कंसेप्ट को कब कब एप्लीकेबल नहीं है अगर जो पीई है इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट बिजनेस और प्रोफेशन अगर ये जो पेमेंट आप कर रहे हैं ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डिजिटल एडवर्टीजमेंट के लिए ये बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं ये किसके लिए नहीं कर रहे हैं बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे केस केस के के अंदर में, के अंदर में में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा फॉर रहेन मेट्रोमोनियल वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने पेमेंट किया एक लाख के ऊपर बताइए इक्वलाइजेशन लेवी आएगा बिल्कुल नहीं आएगा उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा दूसरा एग्रीगेट कंसिडरेशन इज लेस देन वन लाख रुपीज मान लीजिए छोटा मोटा बिजनेस है एक लाख रुपए तक का पेमेंट कर रहे हो कुछ नहीं करना इक्वलाइजेशन लेवी तीसरा नॉन रेसिडेंट पी इन इंडिया अगर नॉन रेसिडेंट का पीई इंडिया .E. in में है और वो पेमेंट करते हैं किसको अनादर नॉन रेसिडेंट्स को फॉर पीई कनेक्टेड पेमेंट तो भैया ऐसे केस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा स्पेसिफाइड सर्विसेज का मीनिंग क्या है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डिजिटल एडवर्टीजमेंट और एनी अदर सर्विसेस ठीक है सर साहब सेक्शन 165 ए अमेंडमेंट तो आप लोगों को पता ही होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में आपको इक्वलाइजेशन लेवी लाया है और कितने परसेंट से लाया है मालिक दो परसेंट के हिसाब से सो ऑन एंड फ्रॉम अप्रैल 2020 सेल बी ए चार्ज एन इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ टू परसेंट ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डिजिटल एडवर्टीजमेंट आज भी छह परसेंट ई कॉमर्स एक्टिविटी दो परसेंट एट द रेट ऑफ टू परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कंसडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लाई सर्विसेज मेड और प्रोवाइड और फैसिलिटेड बाई इट ई कॉमर्स सर्विसेज एमेजॉन अली बाबा डॉट कॉम और ऐसे कई वेबसाइट्स के ऊपर बोल दिया भैया आप जितना सेल्स कंसिडरेशन ला रहे हो उसका टू परसेंट इंडिया को इक्वालाइजेशन लेवी बोल करके खुद ही देना है खुद ही पे करना है इक्वालाइजेशन लेवी टू परसेंट के हिसाब से

राइट right? मैंने बोला यार मुझे कुछ गुड्स चाहिए मैं वहां बैठे बैठे वाईफाई के थ्रू क्या करने लगा अमेजोन पर ऑर्डर किया और मैंने मेरा घर का एड्रेस डाल दिया इंडिया का कि जब तक मैं इंडिया में पहुंचू ये प्रोडक्ट मेरे को वहां पे मिल जाए बराबर है अब जरा समझना मैं हूं कहा श्रीलंका के अंदर में प्रोडक्ट कहां से बुक कर रहा हूं अमेजॉन नॉन रेसिडेंट के अंदर में पर मेरा इंटरनेट प्रोटोकॉल कहां का है इंडिया का इंटरनेट प्रोटोकॉल कहां का है इंडिया का तो ऐसे केसेस के अंदर में इन पेमेंट्स पे भी इक्वलाइजेशन ले आएगा या तो आप रेसिडेंट को गुड्स एंड सर्विसेज बेचो या तो नॉन रेसिडेंट हैविंग पी इन इंडिया को बेचो या तो फिर आप क्या करो आ... इंटरनेट you प्रोटोकॉल know, जो इंडिया का यूज हुआ है उसको बेचो आपको दो परसेंट कामर्स इफेक्टिव विदी इन इंडिया अगर उनका पी होगा तो फिर जो टैक्स होगा वो नॉर्मल इनकम टैक्स पे करेंगे फिर उनको इक्वलाइजेशन लेवी देने की जरूरत नहीं वेर द इक्लाइजेशन लेवी इज लाइबल अंडर वन सिक्स अगर वन सिक्स के तहत आप सिक्स परसेंट वाले कैटेगरी में आ रहे हो तो टू परसेंट वाले

फ एनी पर्सन फेल टू डिडक्ट द इक्वलाइजेशन लेवी देन ही शेल बी लाइबल टू पे टू गवर्नमेंट अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी पे नहीं किया ध्यान से सुनना अगर आपने इक्वालाइजेशन लेवी पे नहीं किया तो क्या हो जाएगा आपको खुद से पे करना पड़ेगा प्लस डिडक्शन नहीं मिलेगा वो अलग प्लस डिडक्शन नहीं मिलेगा वो अलग यस yes. अच्छा जी सर ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब कौन अभी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब कौन कॉमर्स ऑपरेटर विच ऑपरेट्स मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एक वो व्यक्ति जो ऑनलाइन गुड्स सेल कर रहा है ई कॉमर्स फैसिलिटी के थ्रू मतलब एक वेबसाइट या एक ऐप के थ्रू थ्रेश होल्ड लिमिट टू स्मॉल प्लेयर्स नो इक्वलाइजेशन लेवी मेड इन केस ऑफ कंसिडरेशन पेड फॉर स्पेसिफाइड सर्विस स्पेसिफाइड सर्विस का मतलब क्या है यहाँ पे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डिजिटल एडवर्टीजमेंट इफ इट डज नॉट एक्सीड वन लाख रुपीज इक्वलाइजेशन लेवी शैल नॉट बी चार्ज वेर पेमेंट इज मेड फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेस बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और पी इन इंडिया इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन ये लिया एक लाख से ऊपर नहीं जा रहा है या बिजनेस प्रोफेशन के लिए इक्वलाइजेशन लेवी देखने की जरूरत नहीं है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ इक्वालाइजेशन लेवी अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट तो किया फे नहीं किया तो क्या होगा सिबल फॉर डिटिंग द इक्वलाइजेशन लेवी फेल टू डिट सो इन सच केवर्मेंट उसको पे करना पड़ेगा खुद होकर अच्छा यह स्टेटमेंट अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी फर्निश करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए वन लाख रुपीज का लिमिट नहीं है याद रखिएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर का टर्न ओवर अगर दो करोड़ के ऊपर जा रहा है उसको इक्वलाइजेशन लेवे टू के हिसाब से काम खत्म उसको पे करना है उसको दो परसेंट होकर खुद ही पे करना है यस yes, अच्छा जी सर क्या अब वो स्टेटमेंट भी भरेंगे अगर आप यू you नो know, जो भी व्यक्ति इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट कर रहा है उसे स्टेटमेंट भी भरना होगा यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में उसको खुद को ये स्टेटमेंट भरना होगा एवरी एस एस सी और ई कॉमर्स ऑपरेटर एवरी एस एस सी जो स्पेसिफाइड सर्विस के लिए पेमेंट कर रहा है या खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर एवरी एस एस सी और ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज टू फाइल द रिटर्न इन फॉर्म नंबर वन बिफोर थर्टीथ जून ऑफ द प्रीसीड ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन शॉर्ट हर ई कॉमर्स ऑपरेटर और एस को क्या करना है स्टेटमेंट भरना है दैट इज रिटर्न ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी भरना है इन फॉर्म बी लेटर रिटर्न क्या रिवाइज रिटर्न भरे जा सकते हैं क्या सोच करके बताइए इफ ई कॉमर्स ऑपरेटर एस एस सी हैज नॉट फर्निश द रिटर्न विद इन द टाइम फर्निश इन द नोटिस एनी मिस्टेक मे फर्निश रिटर्न सच बी लेटेड रिटर्न रिवाइज रिटर्न हैज टू बी फर्निश्ड विद इन टू ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच स्पेसिफाइड सर्विस वॉज प्रोवाइडेड मान लीजिए अगर आप रिटर्न भरना भूल गए या रिटर्न गलत फाइल कर दिया तो आप बिलटेट रिटर्न रिवाइज रिटर्न भर सकते हो कब सर्विसेज प्रोवाइड किया उस फाइनेंशियल ईयर एंड से दो साल के अंदर आप कभी भी भर सकते हो जनरल डेट तीस जून तक के भरना है आपको असेसमेंट इ के अदरवाइज आप दो साल तक के भी भर सकते हो इफ एस एस सी और ई कॉमर्स ऑपरेटर फेल टू फर्निश द स्टेटमेंट विद इन द प्रिक टाइम ए सर्व नोटिस अपन दी टू रिटर्न विद इन थर्टी डेज फॉम ऑफ सर्व द नोटिस अगर आप रिटर्न भरना भूल गए तो ए भी आपसे

ऐसे केस में बड़ी सिंपल सी बात कही गई है अगर आपका टीडीएस टीसीएस रिटर्न है तो इसको क्या किया जाएगा प्रोसेस किया जाएगा आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी आ रही होगी कि वो किया जाएगा और आपको एक इंटीमेशन इशू किया जाएगा वेयर अ स्टेटमेंट द असि मेड बाय दी सच स्टेटमेंट शेल बी प्रोसेस्ड अंडर सेक्शन एट द प्रोसेसिंग इफ देयर इज एन अर्थमेटिकल एरर देन इट शेल बी रेक्टिफाइड वही अर्थमेटिकल वाला पॉइंट है अर्थमेटिकल एर कुछ है तो उसे क्या किया जाएगा रेक्टिफाई किया जाएगा आफ्टर प्रोसेसिंग एओ विल इंटीमेशन स्पेसिफाइंग द समल और रिफंड टू दी कब तक इंटीमेशन इश्यू हो सकता है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर द इंटीमेशन हैजू बी सेंड विद इन वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइंड

तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी प्रोविजन लगाई जाएगी नो डाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक मान लीजिए एओ ने कोई इंटीमेशन इशू किया इसमें गलती हो सकती है बिल्कुल हो सकती है क्या एओ इस गलती को सुधार सकता है बिल्कुल सुधार सकता है सो एनी मिस्टेक अपीरियड ऑफ रिकॉर्ड अमेंड द इंटीमेशन ऑन स्यू मोटो और मिस्टेक ब्रॉड टू इट्स नोटिस अगर आपने कभी भी क्या किया है यू नो एओ ने कोई इंटीमेशन इशू किया है इसमें अगर कोई गलती है अब ऑन रिकॉर्ड सेक्शन 154 याद आ रहा है बिल्कुल वैसा ही है सेक्शन 169 अगर एओ ने कोई ऑर्डर uh, इशू किया है दैट इज इंटीमेशन इशू किया है एओ स्यू मोटो होकर के भी या एप्लीकेशन मेड पे ये गलती को सुधार सकता है कब तक सुधार सकता है टाइम लिमिट लिखा है विद इन वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटीमेशन ऑट टू बी अमेंडेड वॉज इशूड यस जिस ईयर में ये ऑर्डर इशू इशू किया किया गया था, किया गया था था उस फाइनेंशियल एंड से एक साल के अंदर में ये करना जरूरी हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी अगर इक्वलाइजेशन लेवी आपने डिले पे किया पे किया लेकिन डिलेड में पे किया इंटरेस्ट लगेगा बिल्कुल लगेगा वन परसेंट फॉर एवरी मंथ और पार्ट देर ऑफ जब से पे करना चाहिए था से लेके जब तक के पे किया वन परसेंट फॉर एवरी मंथ और पार्ट देर ऑफ क्या पेनल्टी भी लगेगी अगर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया तो बिल्कुल लगेगा सर इक्वलाइजेशन लेवी पे नहीं किया तो बिल्कुल लगेगा सर होल अमाउंट पे नहीं किया तो बिल्कुल लगेगा सर इफ एनी पर्सन फेल टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी बी फेल टू पे द होल और एनी पार्ट ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी रिक्वायर्ड अंडर वन ए यहां पर ये वन होना चाहिए वन ए और हैविंग डिडक्टेड द इक्वलाइजेशन लेवी फेल्स टू पे सच लेवी टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देन इट्स शेल बी लाइबल टू पे इन केस ऑफ क्लॉज ए जो सिक्स परसेंट वाला है इन केस ऑफ क्लॉज ए इट शैल बी लाइबल टू पे इन एडिशन ऑफ इंटरेस्ट अ पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी फील टू बी डिडक्टेड अमाउंट इक्वल टू इक्वलाइजेशन लेवी क्लॉज डबल ए पेनाल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी सबसेक्शन टू दैट इज ऑफ क्लॉज बी तो ऐसे केस के अंदर में इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस एन ए पेनाल्टी ऑफ वन थाउजेंड फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज सो हाउ एवर दैट पेनाल्टी अंडर दिस क्लॉज शेल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी दैट ही फेल टू पे दैट ही फेल टू पे पेनाल्टी ऑन फेलियर टू फर्निश द स्टेटमेंट अगर आपने स्टेटमेंट फर्निश नहीं किया इसकी पेनल्टी कितनी है हंड्रेड रुपीज ईच डे एवरी डे हंड्रेड रुपीज हंड्रेड रुपीज फॉर एवरी डे अगर आपने क्या नहीं किया बेटा स्टेटमेंट फर्निश नहीं किया तो पेनल्टी नॉट टू बी इंपोज इन सर्टन केसेस। अगर आप प्रूव कर देते टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द यू दैट देयर वॉज अ रिस्पॉन्सिबल कॉज और नो ऑर्डर इम्पोजिंग अ पेनल्टी शैल बी मेड अनलेस द एससी इज गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड अससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देना जरूरी है आपने नहीं दिया तो ऐसे केस में पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती या एससी सफिशेंट कॉस्ट प्रोवाइड कर देता है तो पेनल्टी नहीं लगा जा सकती आपने स्टेटमेंट तो फर्निश किया लेकिन गलत किया अब यू आर पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम अप टू थ्री ईयर्स एंड विथ अ फाइन सो इट शैल बी पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू थ्री इस एंड विथ फाइन नो प्रोसिक्यूशन शेल बी इंस्टीट्यूटेड अनलेस द अप्रूवल ऑफ सीसी स्टेकन अगर किसी व्यक्ति को जेल में डालना है तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन फाइल करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन तब तक फाइल नहीं होगा जब तक सीसीआईटी का अप्रूवल ना ले लो मतलब हायर अथॉरिटी का अप्रूवल जरूरी होगा सामने वाले को जेल में डालने के लिए मान लो एक पेनल्टी ऑर्डर इंपोज किया है क्या इस पेनल्टी ऑर्डर के खिलाफ आपको लगता है आप अग्रीवड आप किसी अथॉरिटी के पास जा सकते हो बिल्कुल जा सकते हो किसके पास जा सकते हो सीआईटी अपील टी और ई कॉमर्स ऑपरेटर अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर इंपोजिंग पेनल्टी अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर इंपोजिंग पेनल्टी मे अपील टू सी अपील इन फॉर्म नंबर थ्री विद इन थर्टी डेज फॉर्म नंबर रिटर्न फॉर्म नंबर वन डिमांड ऑर्डर फॉर्म नंबर टू फॉर्म नंबर थ्री का के लिए बेटा अपील फाइल करने के लिए विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर वे आर द अपील फाइल्ड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन टू फोर्टी टू टू फिफ्टी वन वु अपलाई एज फार एज अपलाई टू सच अपील और वो जो सेक्शन टू फोर्टी नाइन में प्रोविजन लिखे ना इनकम टैक्स के वो यहाँ पे एज इट इज अपलाई कर देगी अपील टू सी आई टी वाले अपील वाले सारे प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे सी आई टी के अपील के ऑर्डर को भी आपको पसंद नहीं आया क्या आप आई टैट में जा सकते हो बिल्कुल जा सकते हो एन एस एस सी और ई कॉमर्स ऑपरेटर अग्रीड बाईर ऑफ सी आई टी अपील विथ अ फीस ऑफ रुपीज वन थाउजेंड इन फॉर्म नंबर फोर कितने दिन में जाते हैं भूले तो नहीं हो ना सिक्सटी डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑट टू बी अपील इज रिसीव्ड बाय अस सी फिर सेक्शन वन सेवेंटी नाइन इज जस्ट अ सिंपल पावर टू मेक रूल पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज वही दिया हुआ है सेक्शन वन सिक्सटी सिक्स ए की बात करें अगर हम लोग तो यहां पर लिखा है कलेक्शन कितने तारीख तक के हो जाना चाहिए द इक्वलाइजेशन लेवी रिफर्ड टू इन सबसेक्शन वन ऑफ सिक्स वन सिक्सटी फाइव ए ये बात कर रहे हैं किसकी ई कॉमर्स ऑपरेटर की शैल बी पेड बाय एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को खुद होकर दो परसेंट का इक्वलाइजेशन लेवी भारत सरकार को देना है कब कब दोगे क्वार्टर खत्म होते ही अगले सात दिन में सितंबर, अक्टूबर दिसंबर, जनवरी थर्टी फर्स्ट 31 थर्टी फर्स्ट मार्च ये काम की चीज है ये काम की चीज है दैट्स इट इक्वलाइजेशन लेवी खत्म हुआ इक्वलाइजेशन लेवी में क्या याद रखोगे ई कॉमर्स ऑपरेटर इज द न्यूएस थिंग वन सिक्सटी फाइव ए याद करने वाली चीजें वन सिक्सटी फाइव ए याद करने वाली चीजें एक दूसरा दूसरा फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट याद रखना तीसरा अपील टू सी आई टी एन ट्रिब्यूनल याद रखना और चौथा वन सिक्सटी सिक्स ए कलेक्शन एंड रिकवरी याद रखना खत्म हो गया काम बाकी तो इक्वलाइजेशन लेवी वही है दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कवर हो गया गेम ओवर इक्वलाइजेशन लेवी इज ऑल्सो ओवर तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था बेटा इंटरनेशनल टैक्स रिविजन भी जरूर डालूंगा मेरे कुछ इशूज के बाद मैंने ये रिविजन भी डालने स्टार्ट कर दिए आप इसका भरपूर बेनिफिट उठाइए और अपने सारे दोस्त भाई यार रिश्तेदार तक के इसको शेयर कर देना ये जो इक्वलाइजेशन लेवी का नोट्स भी है ये भी मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाला है आप जाकर के चेक कर सकते हो यस एनी वन हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क एनी वन हैविंग एनी डाउट नो, no? चलो जी नेक्स्ट पे चलेंगे फिर